पार्टी टाइम। हाय, तुमने बो टाई लगाया हुआ है? हाँ बिल्कुल। मजे करो। कितना बढ़िया म्यूजिक है। बो टाई नहीं लगाया हुआ? हाँ, बस कॉलर ही है। बो टाई नहीं है तो पार्टी नहीं हो सकती। सच में? जरूर रुको, मुझे थोड़ी क्राफ्टिंग करनी होगी। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? 3D पेन का जादू देखो। तुम्हें बोटाई चाहिए? मैं तुम्हें बोटाई दूंगा, बस इसे फिल करना है। कितना बढ़िया लग रहा है। बस थोड़ा सा और हो गया। देखा, मेरी बोटाई देखो बेबी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? डांस करते रहना। ये बहुत जोर से लग रही है। मैंने हील्स क्यों पहनी है? शांति मिली। बहुत गंदा है, हर जगह कचरा फैला हुआ है। मैं यहाँ नंगे पैर नहीं चल सकती, मैं बीमार हो जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे इसे पहनकर इसे सहना होगा। अरे यार, बस पहुँच ही गए। बहुत जोर से लगी होगी। रुको, क्या ये शूज हैं? बहुत गंदे हैं। खैर, मैं इन्हें साफ कर लेती हूँ। एक मिनट रुको। इन स्वर से मुझे एक आइडिया आया। मेकओवर। इन गंदे शूज को एक और मौका मिलना चाहिए। 3D पेन सब कर सकता है, बस थोड़ा क्रिएटिव होना होगा। कुछ कलर्स और। ओह, बढ़िया लग रहा है। इस खाली जगह को फिल करेंगे, इस तरह पैटर्न्स बनाते जाएंगे। अब लाइट ग्रीन कलर लेंगे, इसे अच्छे से फिल कर लें। थोड़ा समय लगेगा, अब लाइन्स चेंज कर लेंगे। हमें पता था ना कि कुछ ऐसा ही होगा। अब बस फाइनल टचेस की बारी। मेरे नए कस्टम मेड शूज देखो, और ये मैंगो से इंस्पायर्ड है। अब बस एक चीज बाकी है, इन्हें पहनना। वाह, क्या फिट आए हैं। मैं बहुत लकी हूँ, अब मैं डांस कर सकती हूँ। कैसे हो दोस्तों? बाल बिल्कुल परफेक्ट है। ये हुई ना बात, एकदम परफेक्ट। या शायद नहीं, सही पोजीशन नहीं मिल रही। क्यों? क्या सुबह हो गई? ये कौन है? मैं कितनी बुरी लग रही हूँ, ये कैसे हो गया? शुरू से करना होगा, पता है ना क्या करना है? चलो भी, चलो भी। ओ नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। मेरी कॉम। ओ हनी, तुम्हारे स्नैक्स। डैडी, मेरे बाल। हाँ, एक बार में एक परेशानी ही लेकर आओ, ठीक है? तो चलो, अब मेरे 3D पेंट की बारी, वो भी तुम्हारा फेवरेट कलर पेंट। बिल्कुल, पता है मैं क्या बना रहा हूँ? कोई बात नहीं, ये सिर्फ आउटलाइन है, अब इसे फिल करेंगे। ये थका देने वाला है, पर जब पूरा हो जाएगा तब देखना। यहाँ थोड़ी और जगह है, परफेक्ट। अब नया सेक्शन पकड़ते हैं, इस बार लाइंस इस तरह बनाएंगे। अब थोड़ी और, बहुत सारी लाइंस बनाएंगे। ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना? बस थोड़ा और बाकी है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, इसके दांत, क्योंकि ये कॉम्ब है, पर ये वाली सबसे प्यारी होगी। टडो, हो गया। वाओ, बहुत सुंदर है। अब बाल सुलझ जाएंगे और जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा। वाह, एकदम सिल्की स्मूथ। मुझे अपनी पुरानी कॉम्ब की याद भी नहीं आ रही। वाह, ये लॉक्स तो देखो। शुक्रिया। ओह हाँ, मैं इस आर्ट में कमाल कर रही हूँ, और अब मेरे सिग्नेचर। हे डैड। हाँ, इस बार तुमने क्या बनाया? ये आप और मैं हैं डैडी। लग तो नहीं रहा, ये पकड़ो, मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाता हूँ। ठीक है।
ये तुम्हारा नाम है मैडिसन। ये तो मुझे पता है डैड। ओह एक सेकेंड, मैं समझ गई। मैं ट्राई करती हूँ ऐसे। हाँ बिल्कुल। फिर ए। हाँ बनाती जाओ। हाँ इसी तरह। हाँ बस हो ही गया, बस एक और लेटर लिखना है। जी हाँ बस हो गया। ओह गलत है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। हाँ मत मानो, मैं जानता हूँ क्या करना है। हमें जार के नीचे का हिस्सा चाहिए। अब 3D पेन से बॉर्डर बना देंगे, पूरा घुमा लेंगे। अब लेटर्स वाले बीट्स इन पर लगा देंगे। पता है मैं क्या लिख रहा हूँ? जी हाँ मैडिसन। एक्स्ट्रा लेयर से ये टिके रहेंगे। अब सबसे मजेदार हिस्सा, ये तुम अपने हाथ में पहन लो। अरे वाह, अब मैं अपने नाम की स्पेलिंग कभी नहीं भूलूंगी। कूल। एक और बार ट्राई करो। तुम कर सकती हो स्वीटी। हाँ तुमने कर दिखाया, मेरे शाइनिंग स्टार। कभी कभी आपको नई लुक चाहिए होती है, पर शॉपिंग करने ना जाएं, बस एक ग्लू गन ले, ये इन बोरिंग शूज को मजेदार बना देगा। अलग अलग रंग की ग्लिटर ग्लू स्पार्कलिंग इफेक्ट देती है, जाहिर है अंत में आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। ये वो लेजी बीच डेज के लिए परफेक्ट है, स्प्लैश की तो पूरी गारंटी है। मेरे ईयरफोन्स, मैं इन्हें ढूंढ रही थी, मुझे सुनना होगा। इन्हें देखो, ये बेहुदा है। याक। मुझे यही चाहिए था, शुक्रिया। मुझे उल्टी आ जाएगी। ठीक है शायद ये अच्छी लगेगी, पर अभी भी मुझे अपने बाल ब्रश करने हैं। मेरे ब्रश को क्या हुआ, ये काले बालों से भर गया है। ये बहुत अच्छा है। मेरा ब्रश देखो, मेरी चीजें इस्तेमाल करना बंद कर दो। क्या, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। इसके ऊपर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। ब्ले ब्ले ब्ले। ये बेहुदा है और बहुत अनोइंग भी। रखो, शायद मैं जानती हूँ कि इसे कैसे ठीक करना है। मुझे बस एक वुडन स्पून और मेरा 3D पेन चाहिए। मैं स्पून के ऊपर ड्रॉ करने से शुरू करूँगी। मैं थिन लाइंस बनाते हुए स्पून की पूरी शेप को फॉलो करूँगी। अब प्लास्टिक के ऊपर वर्टिकल स्टार्स बनाने के लिए मैं 3D पेन का इस्तेमाल करूँगी। मैं इन्हें बराबर लाइंस में बनाऊंगी। मुझे प्लास्टिक को स्पाइक से कवर करना होगा। अगर ये एक जैसी हाइट के नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें कैंची से काटने वाली हूँ, इससे ये बराबर हो जाएंगे। काश मैंने इसके बारे में पहले सोच लिया होता। अब मैं अपने बाल ब्रश कर सकती हूँ। काफी अच्छा फील हो रहा है और अब इसके ऊपर लियम का एक भी बाल नहीं है। ये बढ़िया है। अब मैं तैयार हूँ। आउच, मेरा बट। सच में लियम, बहुत हुआ। हे ध्यान से, मुझे चलना चाहिए। मैं मॉम का बर्थडे तो भूल ही गई। यहाँ पर कुछ होगा? कुछ भी नहीं है। यहाँ थोड़े पैसे पड़े होंगे। बिंगो, चलो शॉपिंग करें। क्या मैं एक फोन ले सकती हूँ? एक नई गाड़ी? एक रोज कैसा रहेगा? शुक्रिया, दोबारा आना। 2 bucks में कुछ मिलेगा? मैंने अभी अपना आखिरी बुके बेचा है। अरे यार, खैर तुम्हारे लिए थोड़े पेटल्स पड़े हैं। वैसे मैं जानती हूँ, पेटल्स को ऐसे फेंके नहीं, उनके ऊपर क्लियर पॉलिश पेंट करें और फिर यूवी लाइट के नीचे रख दें। ये अच्छा है, इयररिंग बनाने के लिए ये परफेक्ट है। कूल है ना? कितना प्यारा है। मॉम। ओह हाय बेटी, मेरे पास आपके लिए कुछ है। मॉम तुम कितनी प्यारी हो, ये बहुत प्यारे हैं और एकदम असली। थैंक यू, आई लव यू हनी। चलो इसे बदल दे। फ्रेश ज्वेलरी, ये आजकल बहुत चल रही है।
आज ही वो रात है। मेरे बगल की बदबू है। ऐसे थोड़ा सा ही रहेगा। हो गया, वो भी आने ही वाली है। टाइम हो गया, तुम इधर जाओ दोस्त। वो आ रही है। हे, हाय दीदी, तुम मानोगे नहीं आज क्या हुआ। तुम डिजर्ट क्यों नहीं खाती? ठीक है तो आज काम पर। उसने वो निगल तो नहीं लिया ना? क्या, तुमने रिंग नहीं देखी? मैंने वो तुम्हारे डिजर्ट में डाली थी। ये तो सही नहीं हुआ। नहीं, तुम्हारा नेकलेस। क्या, कुछ भी नहीं। रुको, ये छोटा सा स्ट्रेटनर देखे, इस पर वैक्स पेपर लगाए और बीच में बीज रख दे। अब प्रेस करे। वो कितना कूल है। अब इसे सीधा निकाल ले और मार्कर के ऊपर लपेटे और इसे सख्त होने दे। देखा बेटी? क्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे बहुत खुशी होगी। क्या, हाय। एक लड़का। ये लो, देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तुमने क्या देखा? कार्ड्स। कूल, सब ठीक है। ठीक है, घबराओ मत, क्रिस्टल बॉल सब बताती है। मुझे प्यार का मतलब दिखाओ क्रिस्टल बॉल। क्या ये भी होता है? मैंने पता नहीं क्या क्या देखा। मुझे जाना चाहिए। रुको, मैं कुछ बता सकती हूँ। हाँ, यही थोड़ी एपॉक्सी ले और इसके अंदर रेड फूड कलरिंग डाली। अब इसे अच्छे से मिला दे। कितना सुंदर है ना? जो चाहे उस मोल्ड में इसे डाल दें और जब ये सख्त हो जाए तो इसे निकाल लें। पर अभी पूरा नहीं हुआ। नेकलेस तैयार है। जरा रुको, मुझे पसंद आया, ये परफेक्ट है। मुझे पसंद करता है। शुक्रिया, मजे करो, बाय। चलो चले, मेरा तो ये रोज का काम है। लो, ये लो। रुको, मुझे किस करो, तुम ही मेरा प्यार हो। अरे हाँ, गेम शुरू करते हैं। लूजर, मेरे पास बताओ। डैडी बहुत अजीब है, हमेशा कंप्यूटर पर चिल्लाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मर जाओ। मैं कुछ खाना चाहती हूँ। ये कैसा रहेगा? चलो भी फड़ाओ उसे। अब मैं क्या खाऊं? किटी का कान। मैं इसे हराने ही वाला हूँ, ऐसे ही लगे रहना होगा। और क्या खाऊं? मैं अपना हाथ खा लेती हूँ। हाँ ये लो, मैं जीत गया। अब इसे और आगे ले जाते हैं। अरे हाँ, मैं VR गॉगल्स पहन लेता हूँ। पता है मेरे पास क्या है? एक जायंट ईयरबड। अब मैं ये खाऊंगी। हे भगवान, देखो वहाँ, देखो डैड के असली ईयरबड्स। उसे खाना सबसे अच्छा रहेगा। अच्छे लग रहे हैं। अब ये ले लेती हूँ। ये रहे ईयरबड्स और ये असली है, जायंट नहीं। वो, मैं ये मैच जीत गया, मैं सबसे बेस्ट हूँ। रुको, मेरे ईयरबड्स कहाँ है? मैंने उन्हें यही छोड़ा था। एक सेकंड रुको। मिकी! ओ नहीं, उन्होंने पकड़ लिया, जल्दी चबाना होगा। मिकी, मैंने तुम्हें क्या कहा था? ये मुझे दो, अभी क्या भी दो यहाँ। फिर वो हमेशा चीजें चबाती ही रहती है। क्या ये एक दांत है? ओ नहीं डैडी, क्या हुआ?
ईयरबड्स, मैंने पकड़ लिए। डैडी आप तो बुद्धू हो। हे, ये मेरा दांत है, मुझे वापस चाहिए। लो, मेरा दांत अपनी जगह पर वापस आ गया। इसे चबाना मुश्किल है, मुझे इसका कुछ करना होगा। इसे अपने 3D पेन से और सुंदर बनाते हैं। मुझे ग्रीन कलर पसंद है, इसे व्हाइट के ऊपर पूरा कर देंगे। ये अब ईयरबड केस में दांत के निशान नहीं है। करते जाएंगे, पूरा का पूरा ग्रीन हो जाएगा। ओह, ये तो प्लांट मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। रुको, मैं समझ गई। इस तरह और कलर्स की भी कर लेते हैं। ये बढ़िया लग रहे हैं ना, क्यूट है। मैं इसमें माहिर हूँ। ये वाला मेरा सबसे फेवरेट है, बहुत प्यारा है। देखो मैंने क्या बनाया, उठो और देखो। मिकी, हनी, नहीं, डैडी सोने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? देखो मैंने ईयरबड केस के साथ क्या बनाया। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है, और इसने मेरे जैसा कलर पहना है। हम मैच कर रहे हैं, वो सबसे अच्छा है। और ये अपने पास ईयरबड भी रखेगा। ओह शुक्रिया मिकी, मैं इसे यही रखूंगा। गेम खेलते हुए वो मुझे देखेगा। तुम्हें कैसा लगा? हाँ, आपको जीतने में मदद करेगा। हाँ बिल्कुल, चलो अब खेलें। मारो। और मेरे पास दो और है, मैं इनके साथ खेलूंगी। मैं रेड हूँ, मैं येलो हूँ। देखते हैं। मिकी, इधर मेरे डेस्क पर आओ। जी हाँ, यहाँ खड़ी हो जाओ प्लीज, जल्दी। अब जो यहाँ पर लिखा है उसे पढ़ो। पर व्हाइट बोर्ड पर तो साइन ही नहीं है। वहाँ कुछ नहीं है। हाँ? अरे नहीं, साइन ग्राउंड पर गिर गया। इस मैग्नेट के साथ इसे वापस लगा देता हूँ। दोबारा गिर गया, बकवास मैग्नेट। वही रहो, एग्जाम टाइम है, तुम टेस्ट के लिए तैयार हो मिकी? एग्जाम, ठीक है। खैर तो एक सेकंड रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। ये रहा एक कपकेक लाइनर। इस मैग्नेट को लेंगे और इस तरह बीच में लगा देंगे, और अब इसे हॉट ग्लू से भर देंगे। जरा ये देखो, कैरमल जैसा लग रहा है ना, पर स्वाद वैसा नहीं है। लो, ग्लू बिल्कुल ऊपर तक आ गई। अब इसके ऊपर हम प्यारे प्यारे स्प्रिंकल्स डालेंगे। टडा, ग्लू सूख गए और मेरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। मिकी, तुम्हें रूल्स पता है ना? जरा देखो तो। क्लास में खाना नहीं ला सकते। ओ, पर देखो, ये खाना नहीं है, मैं दिखाती हूँ। टडा, देखा, ये मैग्नेट्स है। अरे हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा किया मिकी, मुझे पसंद आया। और हाँ, तुम्हें तुम्हारे एग्जाम का ग्रेड देते हैं। जो भी ऐसे मैग्नेट्स बनाता है उसे मेरी तरफ से A+। बहुत अच्छे, अब अपनी सीट पर जाओ। जरा मुझे इन्हें पास से देखने दो, एक बार इसे चेक कर देखूं। मैं मजाक कर रहा था। जी हाँ, स्ट्रेचिंग हो चुकी है। हाँ, ये क्या है, कोई और भी वर्कआउट करने आया है? अरे वाह, है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं वर्कआउट करने आई हूँ। मैं भी, अच्छे से करना। ईयरबड्स लगा लेती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं सीरियस हूँ। और वो है भी बहुत प्यारा। हे, देखो, उसने केटलबेल रख दी। अब मैं उसे अपनी फिटनेस से इम्प्रेस करती हूँ। ये बहुत भारी है। हे, मेरे ईयरबड्स को क्या हो गया? वो बाहर निकल गए। वापस लगा लेती हूँ। अब वो क्या कर रहा है? मैं ये एक्सरसाइज कर सकती हूँ। मेरे रेप्स होने ही वाले हैं। हाँ, ये क्या? ये मजेदार है। क्या ये तुम्हारे हैं? हाँ, अब पुशअप्स। 1, 2, 3। ओह, अब वो पुशअप्स कर रहा है। मुझे उसे दिखाना होगा कि मैं भी ये कर सकती हूँ। आओ, मेरे ईयरबड्स ने खराब कर दिया। मैं वो करने ही वाली थी। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओ, ये क्या है, दोबारा ईयरबड्स? हाँ, रुको, मेरे ईयरबड्स कहाँ चले गए? हाँ, वो यही है। ये ईयरबड्स लेकर कहीं और चली जाओ। हे भगवान, माफ कर दो, वो मेरे हाथ से फिसल गए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या बकवास ईयरबड्स है, ये टिके नहीं रह सकते। बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम बस मुझे परेशानियों में ही डाल रहे हो, समझे? तुम्हें हुआ क्या है? ये ईयरबड्स की गलती है, सच में। लाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये रहे मेरे हेडफोन्स और एक 3D पेन। पहले हम इसे इस तरह फिल करेंगे। ध्यान देना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। और ऊपर की तरफ इस तरह ट्रेस करेंगे, पूरे बैंड पर बनाएंगे, और नीचे की तरफ भी और साइड्स में भी। लो, हो गया, मैंने हेडफोन्स का एक मॉडल बना लिया। लो, मुझे अपने ईयरबड्स दो। अच्छा, हाँ शुक्रिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ।
तुम्हारे ईयरबड्स को इस तरह लगा देंगे और इससे टिके रहेंगे। और ये पहन लो, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब मैं अपना वर्कआउट कर लेता हूँ। अरे हाँ, वर्कआउट, हाँ मैं भी कर लेती हूँ। ये क्या? सफाई करने के लिए शुक्रिया मिस्टर ब्रोकली। हाँ, क्या? ओह, मैं सपना देख रहा था। पता नहीं क्या टाइम हुआ है, मैं फोन में देख लेता हूँ। मेरा फोन! नहीं, ये तो बहुत जोर से गिरा। नहीं नहीं नहीं, ये तो टूट गया। हे भगवान, बहुत बुरा हुआ। ये बुरा सपना है। ये क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ? हाँ, मेरा फोन। हे, मैं वही हूँ जहाँ मैं गिरी, याद है? हाय, बड़ा सपना। हे भगवान, एक और बुरा सपना आया। हे भगवान, देखो मेरा फोन। मेरा फोन जहाँ था वही है, फर्श पर नहीं। पर अब मैं डर गया हूँ और मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा हो। मैं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपना 3D पेन निकालता हूँ और कुछ करता हूँ। ये पर्पल इंक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। फोन केस पर कलर करते हैं, बस इस तरह ज़िगज़ैग बनाना है और थोड़ा और ज़िगज़ैग और ऊपर नीचे। इसे भरने के लिए बहुत सारी 3D इंक चाहिए होगी। ऊपर का ऐसा हो गया, अब साइड करते हैं। बस ध्यान रहे कि अच्छे से कवर्ड हूँ। लो, मैंने पूरा फोन केस कवर कर दिया। मैंने इसे गिरा दिया। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं टूटा। हे भगवान, मैं घबरा गया था पर मेरा नया केस काम आया। अब मैं वापस सोने जा रहा हूँ। नहीं, ये नहीं, ये बिल्कुल काम नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बकवास है। मेरा पूरा वार्डरोब एकदम बकवास है। ये कैसा तूफान है? हाँ, ये क्या हो रहा है? ओह, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? इतने सारे कपड़े तो हैं। पर जेक ने मुझे गेट पर जाने के लिए पूछा। जेक, हे भगवान, तो अब हम क्या करें? खैर, ये शॉर्ट कैसी रहेगी, आपको क्या लगता है? या फिर ये रेड ड्रेस, या ये कुछ ज्यादा है? मुझे नहीं लगता ये अच्छी लगेगी। रुको, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मैं भूल गई थी, मेरे पास एक क्यूट सा क्रॉप टॉप है। ओह, इसके साथ पहनने के लिए मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। रुको, मैं जानता हूँ तुम क्या कर सकती हो। हाँ, मैं समझी नहीं। ओह हाँ, डैड आप बहुत स्मार्ट है, पक्का इसमें कुछ होगा। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, कुछ काम नहीं आया। आज की डेट सबसे बेकार होगी, मुझे कैंसिल कर देनी चाहिए। तो हम इसका कुछ कर सकते हैं। मैं बिना इयररिंग्स के बाहर नहीं जा सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा। रुको, ये नेक पिलो और मेरा 3D पेन। हनी, लगता है यही काम आएगा। हे भगवान, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, एक वाटरमेलन स्लाइस की ड्राइंग लेंगे और अब इसे ट्रेस करेंगे। पहले ब्लैक इंक से इसे आउटलाइन करते हैं बिल्कुल कोने कोने पर। अब अंदर की तरफ भी कुछ लाइंस ट्रेस करेंगे। ठीक है, काफी अच्छा बन रहा है, हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ, करते रहना होगा। अब इसमें रेड वाटरमेलन कलर करेंगे, कोनों को भी रेड कलर ही देंगे। ये देखो, बिल्कुल आखिर तक। अब ग्राइंड की बारी। ये वाला ग्रीन अच्छा लग रहा है, बहुत मजेदार है, मुझे ये अक्सर करना चाहिए। अब मुझे डार्क ग्रीन चाहिए होगा और मेलन की सीड्स के लिए ब्लैक कलर। बस छोटे छोटे बनाने हैं। हाँ, और थोड़े से यहाँ भी। वो हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसा ही एक और बनाना है और चाहिए इयररिंग पीसेस। देखो ये कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। चलो मैं ट्राई करूँ, ये अच्छे लग रहे हैं ना, प्यारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डैड, आपका आइडिया सच में काम आया। तो चलो, अब मैं जेक के साथ डेट पर जा रही हूँ। ठीक है, तुम दोनों अच्छा समय बिताना। अब मेरा नेक पिलो कहाँ है? ओह, ये रहा, ये बेहतर है। रुको, ये क्या है? ओह, एक फोटो। इसे तो देखो, कितनी खुश लग रही है, बहुत प्यारे है। ये सनग्लासेस साफ नहीं है, ये हुई ना बात। ओ, एक कस्टमर। मैं यहाँ पर पैसे खर्चने आया हूँ, मैं यही सुनना चाहती थी। ओह, इसे कितनी जल्दी है। तो यहाँ क्या है, क्या ये फैशनेबल है? मुझे पसंद है। तुम्हारे पास और क्या है? ये हुई ना बात, ये मुझ पर जचेगा, ट्राई कर देखते हैं। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मुझ पर हर चीज जचती है। हे, सब कुछ अच्छा होना चाहिए,
पता है इसके साथ क्या जाएगा? ग्लासेस। तुम बहुत अच्छी दिखोगी। मुझे अच्छा दिखना पसंद है। दिलचस्प है। ट्राई करो। ठीक है, मुझे कुछ हमेशा अलग ही पसंद आता है। मुझे पसंद आए, जरा देखो। मैं श्योर नहीं हूँ। नहीं, मेरे लिए अच्छे नहीं है। तुमने इसे खैर छोड़ो, अब ये कैसे रहेंगे? ठीक है, मैं ट्राई कर लेता हूँ। पता नहीं, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। बहुत अलग अलग स्टाइल्स है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। तो मेरे ग्लासेस कैसे रहेंगे? बहुत हुआ। अरे रुक जाओ। क्या है? मेरे पास एक और चीज है, वो ट्राई करो। सोचो, मुझे कुछ बेचना ही होगा। ओह, ये सही रहेगा। नहीं, मैं अपनी विशेस पूरी कर चुकी हूँ। मेरी ट्रस्टी ग्लू गन काम आएगी। शेप बनाने के लिए ग्लिटर ग्लू इस्तेमाल करेंगे। ये क्लाउड जैसे दिखनी चाहिए। मजेदार है। एक और क्लाउड बनाएंगे। ये मेरी कस्टम ग्लासेस के लिए फ्रेम्स होंगे। अब इन्हें साथ में जोड़ देंगे। अब हमें ब्लू एपॉक्सी रेजिन चाहिए। क्लाउड्स के बीच में डालेंगे। दूसरे क्लाउड में भी ऐसा ही करेंगे। ये होंगे लेंसेस। अब इसके सख्त होने का इंतजार करेंगे। ग्लासेस का फ्रेम बन चुका है। कूल है ना? मतलब मैं तो ये जरूर पहनूंगी। जरा इन्हें देखो। हाँ अच्छे है, जरा मुझे दो। बाकी उसे तो बेहतर है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यही तो चाहिए था। हाँ, शांति मिली। ये मुझे दे दो। कितने के है? $5। मेरा मतलब है, रुको, ये बिल्कुल अनोखे हैं, तो ये है $500 के। हाँ ले लो, ऐसे मौकों पर पैसे नहीं देखते। वो थैंक्स। नहीं शुक्रिया। टाटा। चाओ, दोबारा जरूर आना। अरे वाह, ये तो काम कर गया। मैं बहुत नर्वस हूँ, बस एक सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। एमिली, मुझे और कॉन्फिडेंट होना होगा। एमिली, नहीं, ये बेकार लग रहा है। एमिली, ये तुम्हारे लिए है। ये मेरे प्यार की निशानी है। तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता है? उप्स, ओ नहीं, वो कहाँ चली गई? वो यही कहीं होनी चाहिए। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ओ, आ, हे एमिली, मैं तो बस प्रेसअप्स कर रहा था। चलो बैठ जाते हैं। तुम अच्छी लग रही हो। वाह, अच्छा। हाँ सच में। रुको, क्या ये नेल पॉलिश है? मैं ये ले सकता हूँ? क्यों? भरोसा रखो, इससे सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने प्लास्टर के ऊपर नेल पॉलिश लगा लेता हूँ। पतला सा बैंड बन जाएगा। जब ये सूख जाएगा तो इसे पेंट करेंगे। पिंक कलर सही रहेगा। और इससे डार्कर शेड से गैप्स को फिल कर देंगे। अच्छा लग रहा है। और इस पर दिल बनाएंगे। ये परफेक्ट है, बस ये गिर ना जाए। हाँ तो चलो। एमिली, क्या हो रहा है मैथ्यू? भगवान, ये कैसा मजाक है? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल। मुझे उम्मीद थी तुम यही कहोगी। मैं बहुत खुश हूँ। इसके $5 हुए, शुक्रिया। फिर आना। अब हमारी बारी आने वाली है मॉम। अगला कौन है? मैं आपके लिए क्या करूं? मैं सारे बबल्स लूंगा। ये बढ़िया है, मुझे बबल्स पसंद है। ये जादुई होते हैं। हाय, मुझे थोड़े बबल्स चाहिए प्लीज। हाँ, एक सेकेंड रुको। वो कहाँ गए? यहाँ यहाँ कुछ नहीं बचा। मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे माफ करना बच्चे, सब खत्म हो गया। ये सही नहीं है। चिंता मत करो हनी, यहाँ कुछ तो जरूर होगा जो तुम्हें पसंद है। एक मिनट रुको, मुझे सोचने दो। मुझे ग्लू गन की जरूरत है, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा स्वीटी। प्रूफ पेपर को हीट करने के लिए मैं ग्लू से छोटे सर्कल्स बनाऊंगी और फिर मैं ग्लू को सेट होने दूंगी। अगला, मुझे मेरी नेल पॉलिश चाहिए। मैं इससे ग्लू को पेंट करूंगी, फिर मैं नेल पॉलिश को ड्राई होने दूंगी। अब मैं इसे वेंडीज के नेल पर चिपका दूंगी। वाओ, ये बहुत कूल है। और मेरे पास यहाँ कुछ सोप है। इन सब बबल्स को देखो। हे भगवान, ये डॉल बहुत क्यूट है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। उसके बालों को देखो। कोई बात नहीं डॉली, हम ये कर सकते हैं। ये ड्रेस पेरिस से है।
हाय, मेरे पास भी डॉल है। ओह हनी, वो डॉल नहीं है, वो सिर्फ गार्बेज है। मेरा मतलब, उसे जरा देखो तो सही। मैं तो इसे पब्लिक में शर्म के मारे दिखा भी नहीं सकती, लेकिन मुझे पसंद है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो इतने बुरे क्यों है? मुझे बुरा लग रहा है, शायद मुझे नई डॉल लेनी चाहिए। मैं सभी पिगी बैंक से पैसे ले लूंगी। इतने काफी नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने और भी जगह पैसे छुपा रखे हैं। अभी भी कमी है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। काश ये काम करे। अच्छी स्माइल कौन चाहता है? चलो बिटूथ फेरी, अपना काम दिखाओ। उम्मीद है इसके नीचे पैसे हो। जैकपॉट, इन सभी पैसों को देखो। वाओ, इन सभी टॉयज को देखो। यहाँ चूज करने के लिए बहुत कुछ है। वाओ, उसे देखो, ये परफेक्ट डॉल है। सब लोग बहुत जेलस होंगे। तुम मेरे साथ चलोगी? हाय, मैंने ये डॉल देखी है, ये बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे ये चाहिए। ठीक है, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। ये लो। वो बच्चे, क्या तुमने बैंक से चोरी की है? बस टूथ फेरी, मैं बहुत खुश हूँ। उसके पास मेरे से बेहतर डॉल नहीं हो सकती। ये अब तक का बहुत अच्छा दिन है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। खैर, हेलो, ये रही प्रिटी डॉल, लेकिन मुझे लगता है इसे मेकओवर की जरूरत है। वो बहुत मजेदार था, हर जगह बाल थे, वो इसे इग्नोर नहीं कर सकते। रुको, ये क्या हुआ? तुम्हारे सुंदर बाल, वो चले गए। मुझे जाना होगा। मैं सोच रही हूँ एमिली को क्या हुआ है, अब मैं क्या करूँगी? रुको, मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। मुझे मेरी फॉलिकली चैलेंज डॉल चाहिए और एक 3D पेन चाहिए। फिर मैं डॉल के चेस्ट से ड्रॉ करना शुरू करूँगी। मैं छोटी लाइंस बनाऊंगी, फिर मैं दूसरा कलर लूंगी। व्हाइट प्लास्टिक से लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाऊंगी, इनके बीच में स्पेस रखूंगी। ये स्कर्ट होगी, लेकिन मैं इसके बाल नहीं भूलूंगी। मैं 3D पेन से लंबे ब्लैक स्पाइरल्स ड्रॉ करूंगी। मैं तब तक करूंगी जब तक इसके सर पर बहुत सारे बाल आ जाएं। क्या फिट है, तुम शानदार दिख रही हो। मैं तुम्हें दिखाने का इंतजार नहीं कर सकती, हमें अच्छा दिखना है। हे, मेरे पास दिखाने के लिए कुछ है। मुझे विश्वास नहीं होता, लड़कियों रुको। वाओ, ये बहुत स्टाइलिश है, मुझे कर्ल्स पसंद आए। उसने कैसे किया? ये मेरे पोस्टर के लिए परफेक्ट जगह है, ये सुंदर दिख रहा है। अब मैं यहाँ पार्टी हैट्स रखूंगी। उम्मीद है इतनी सबके लिए काफी हो, और मैं एक अपने लिए रखूंगी। चलो ट्राई करें। ओ, ये सुंदर दिख रही है, मुझे लगता है मैं तैयार हूँ। मुझे बस गेस्ट का इंतजार करना है। ये बहुत एक्साइटिंग है ना हगी? हैप्पी बर्थडे वेंडी। ओ हाय मॉम, अपने आप को देखो, मेरी छोटी बेटी बड़ी हो रही है। मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। मेरे लिए? वाओ, शुक्रिया मॉम, मुझे इसे खोलने का इंतजार नहीं हो रहा। मैं सोच रही हूँ उसमें क्या होगा। आप मेरे लिए एयरपॉड्स लाई हैं, ये वही है जो मुझे चाहिए था। आओ आराम से, नहीं वापस आओ, मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। नहीं, वहां मत जाओ। हाँ, क्या हुआ? तो क्या तुम्हें पसंद आया? ये बढ़िया है मॉम। रुको, हगी वगी ने मुझे एक आइडिया दिया। मुझे अपने एयरपोर्ट सेफ रखने होंगे। मैं इस केस पर टेप लगाने से शुरू करूंगी। जब ये कवर हो जाएगा तो मैं 3D पेन का इस्तेमाल करके इसके ऊपर ड्रॉ करूंगी। मैं ब्लू प्लास्टिक से पतली लाइंस बनाऊंगी। मैं पूरे केस पर ऐसा करूंगी। मैं मुंह बनाने के लिए रेड प्लास्टिक का इस्तेमाल करूंगी और फिर ब्लैक प्लास्टिक से ऐसे फिल करूंगी। अब मैं दांत बनाऊंगी। कितनी प्यारी स्माइल है। अगली बारी है आँखों की। मैं प्यूपल्स के लिए ब्लैक इस्तेमाल करूंगी। मेरे पास एक नया केस है। हगी वगी मेरे एयरपोर्ट्स का ध्यान रखेगा। ये शानदार दिख रहा है और अब मैं मजे कर सकती हूँ। हे मॉम, ओ शुक्रिया स्वीटी। ओ हाँ, ये फोन केस ठीक है, पर मैं जानती हूँ कि और बेहतर कैसे दिखेगा। मुझे अपनी ग्लू गन चाहिए। ग्लू से लव हार्ट बनाएंगे, अब इसे फिल करेंगे। बस ग्लू सेट ना हो जाए इससे पहले इस पर ग्लिटर डाल देंगे। पूरे फोन केस पर अलग अलग कलर का ग्लिटर डालेंगे। मुझे बहुत पसंद आया, ये परफेक्ट है। हेलो, कैसा चल रहा है? वो क्या भी, जरा इस फोन केस को तो देखो। हे, तुम ये कहाँ से लेकर आई? बहुत अच्छा है। हाँ, ओ तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। ये बहुत आसान था, ये सब इसकी वजह से हुआ। ये क्या, कोई मजाक है? वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, मेरे लिए भी एक बना दो।
क्या सुबह हो गई, कितनी अच्छी नींद आई। मैं तैयार हो जाती हूँ, दांत एकदम साफ कर लेंगे। मुझे सीरियल बहुत पसंद है। क्या टाइम हो गया, मैं स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहती। जल्दी से बैग पैक करना होगा। मुझे ये चाहिए, ओह और ये भी। मुझे क्लास में बहुत सारी चीजें ले जानी है, बस कुछ भूल ना जाओ, सब फिट आ जाएगा। मैं ग्लूगन तो छोड़कर नहीं जाऊंगी। कुछ मिसिंग है, आहा मिल गया। मैं और टॉयज ले जाना चाहती हूँ, स्कूल बहुत बोरिंग है। ओह ये बढ़िया है, लगता है अब मेरे पास सब कुछ है ना? लगता है मैंने सब कुछ रख लिया और कुछ तो नजर भी नहीं आ रहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, तो चलो चली। ओह ये भारी है, चलो भीड़। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ, कोई दया नहीं। नहीं, मेरा बैग, नीचे की तरफ कोई छेद था, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? ओह हे, एक कार्डबोर्ड बॉक्स, शायद ये काम आ जाए। मैं इसमें अपनी सारी चीजें रख देती हूँ, साइज भी परफेक्ट है, बस कुछ चीजें बाकी हैं, बैग की किसे जरूरत। हाँ चलो दोबारा ट्राई करते हैं। ये अभी भी बहुत भारी है, ये उठ नहीं रहा। क्या सच में फिर से ऐसा क्यों हो रहा है? अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं क्या इस्तेमाल करूँ? मेरी ग्लू गन, ये आज काम आ जाएगी। पहले इस बॉक्स पर पतली सी ग्लू की लाइन लगाते हैं, एकदम आराम से। ये एकदम सीधी होनी चाहिए और बीच में गैप्स ना हो। इस तरफ और स्क्वायर्स बनाएंगे और बॉक्स के ऊपर तक बनाते जाएंगे। इसे करने में मजा आ रहा है। बॉक्स को स्क्वायर्स से कवर कर दिया है, अब साइड पर भी और लाइंस बनाएंगे। ये ऊपर वाली लाइन से मैच होनी चाहिए, हम एकदम आराम से करेंगे। अब दो हैंडल्स को फ्रेम पर लगा देंगे और अब बस हमें बॉक्स को निकालना है और नया बैग तैयार है। इसमें सारा सामान रख सकते हैं। ये सारा कमाल मेरी ग्लू गन का है। वाओ कूल, तुम्हें भी मेरे जैसे कॉल्स चाहिए? वाह ये पकड़ो, ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ओह कोई मेरे बाल भी छूना चाहेगा? चलो कॉल हो जाओ। क्या ये कॉली हो गए? मुझे अपने बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। लियो हनी क्या हो गया है? मेरे बाल। ओह मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए हनी, चलो देखो। पहले स्ट्रॉ पर थोड़ी ग्लू डालेंगे, अब इस तरह रैप कर लेंगे। देखा अब ये सॉलिड होता जा रहा है, जब ये सूख जाए तो इसे निकाल लें। तुमने कहा कि तुम्हें कर्ल्स चाहिए है ना? अच्छा लग रहा है, थैंक्स। ओह मेरा प्यारा बच्चा। ओह बबल्स बबल्स हर जगह बबल्स, शानदार। ऐसा लग रहा है मैं अंडरवाटर वंडरलैंड में हूँ। और वुहू, अभी इससे पूरा कमरा भर जाएगा। वो इतने सारे बबल्स, जरा इन सबको देखो। कूल, मुझे और बनाना है। ये रूम बहुत ही जल्द बबल टैक्टिक हो जाएगा। हाँ नहीं, मेरे बबल्स, शायद मैंने इसे खराब कर दिया। और इसका मतलब है कि मैं और मस्ती नहीं कर पाऊंगा। हाँ कौन रो रहा है? तुम ठीक तो हो लड़कियों? हाँ ओ माफ करना। लियो यहाँ, तुम इतने उदास क्यों हो हनी? मेरे बबल्स अब वापस नहीं आएंगे, वो गए। ओ मैं ठीक कर सकती हूँ, अपनी बेस्टी को गले लगाओ। नहीं। हाँ तो ये कैसा रहेगा? ये देखो। ओह नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा, यहाँ पर कुछ तो मजेदार होगा। ओह मेरा ग्लू पेन, तो तुम्हें कुछ मजेदार दिखाऊं। पहले हम एक फूल की शेप बनाएंगे, बस कुछ और लूप्स बनाने हैं। लो कितना बढ़िया लग रहा है, अब इस पर वुडन स्टिक लगा देते हैं। ओ कितना प्यारा है, लो लियो। ओ ये क्या है? लगता है तुम्हें थोड़ा ये भी चाहिए। हाँ एक मिनट रुको, क्या वही है जो मैं सोच रहा हूँ? और मैं फूंक मारूं? ये देखो मॉन्स्टर बबल, ये तो शानदार है मॉम। वोहो मेरा नया बबल टॉय,
मुझे पहले देखना चाहिए था। अब अगले राउंड की बारी। इसमें कुछ अच्छा है? अभी तक तो कुछ खास नहीं मिला। हाँ? ओ, छोड़ो। एक सेकंड रुको, मुझे तो खजाना मिल गया। देखो कितना सुंदर है। चलो इसकी टेस्ट ड्राइव लें। हाँ मैं चल रहा हूँ। हाँ, अब इसे रोकेंगे कैसे? लगता है मैं संभाल लूंगा। हाँ, अब मैं स्केटबोर्डिंग में प्रो हो गया हूँ। रुको, क्या ये व्हील इस तरह कैसे उड़ गया? हाँ? क्या? हे! और पकड़ लिया? या शायद नहीं। रुको, थैंक्स मॉम। मेरे पास कुछ काम है। इस व्हील को मॉडल की तरह इस्तेमाल करेंगे। घुमाते जाएंगे। अरे यार, इस पे थोड़ा टाइम लगेगा। इसे हम थोड़ा जल्दी रोल करें। हाँ, ये हुई ना बात। और एक्स्ट्रा टच के लिए हम यहाँ थोड़ा ग्रीन कलर करेंगे। ये मेरा फेवरेट कलर है। हाँ, ये कमाल का लग रहा है। जब ये फिल हो जाए तो इसे स्पेयर पैक पर लगा देंगे। देखा, फिट आ गया। वाओ, मैंने एक व्हील इन्वेंट किया। आप लोग समझ गए ना? अब एक ही चीज बाकी है। और तो चलो। हाँ, स्पीड भी बढ़िया है। ये क्या है? लियो, नहीं। ये रहा मेरा मार्कर और ये रहा 3D पेन। सबसे पहले इस कैप के ऊपर गोल गोल बनाएंगे। हाँ, ये देखो, अब हम इसे निकाल सकते हैं। इस तरह एक लूप बनाएंगे और अब इसमें भी फिल करना है। इस तरह से आगे पीछे करके। ठीक है, ये हो गया। जो हमने पहले बनाए थे अब उन्हें ले आए, इन्हें साथ में जोड़ दें। अब थोड़ा येलो कलर चाहिए। इस येलो 3D इंक से मैं एक लेटर ड्रॉ करूंगी। छोटी सी हैट सर पर पहन लेंगे और अब मैं तैयार हूँ। स्विंग, हेड्स अप। ये क्या हुआ? हे, तुम क्या कर रही हो? हे भगवान, मैंने उसे मारा। मैं इस हैट को लटल डकी के ऊपर रख देती हूँ। ये इसने किया। दिन बीत ही नहीं रहा। मैं यहाँ पर कटिंग करवाने आई हूँ। ओह हाँ, आपको देखकर खुशी हुई। प्लीज आइए बैठिए। शुक्रिया। हाँ बिल्कुल। बाहर मौसम कैसा है? अभी भी गर्मी है। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्या करूं? मुझे बस थोड़े एंड से कटवाने हैं। स्टेटेंस निकाल दूं और बस थोड़ा अच्छा दिखे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आराम से हो जाएगा। बस आपकी चेयर एडजस्ट कर दूं। बस थोड़ा सा और। जी हाँ, तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। आपके बाल बहुत खूबसूरत है, आप इनका ख्याल रखते होंगे। लगता है यहाँ से उलझे हुए हैं। क्या हो रहा है? तुम रुक क्यों गए? कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी मत घबराइए, सब काबू में है। हे भगवान, मेरे कॉम टूट गए। ये तुमने ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? ओ, कुछ भी नहीं, बस थोड़ी गैस है। अब मैं क्या करूं? वो मेरी सबसे अच्छी कॉम थी। रुको, बिल्कुल मेरा ट्रस्टी 3D पेन, इससे सब ठीक हो जाएगा। ये रही कॉम की एक तस्वीर, हमें बस इसे ट्रेस करना है। मैं इसमें अपने मनपसंद रंग का पिंक 3D इंक लगाऊंगा। हाँ, काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो चलो, कॉम का आगे का हिस्सा बन गया। हाँ, ये काफी अच्छा लग रहा है। हम इस पर लाइट ग्रीन करेंगे। ये बहुत खूबसूरत है। इसे ज्यादा नहीं कर पाए क्योंकि ये कॉम है, तो हम इसको और सुंदर बनाएंगे। जब ये हो जाए हम इस पर फूल बनाएंगे। हाँ, बस हो ही गया। और वाला, एक नई कॉम। ओह, वो तो सो गई, तो मुझे थोड़ा जल्दी करना होगा। ओह माफ करना, मेरी जरा आंख लग गई थी। ठीक है, लगता है ये लेवल में पार कर ही लूंगा। तो चलो, बस फाइनल ट्रेजर रन है, मैं कर सकता हूँ। ये क्या कर रहा है? काफी एक्साइटेड लगता है। मैं ये डंजन जीतने ही वाला हूँ। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ? ओ नहीं, अभी मैं खेल रहा हूँ। प्लीज, मैंने कहा ना नहीं, मैं खेल रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने मना किया ना। हाँ तो ठीक है, इतने मतलबी भी मत बनो। मेरी ड्रिंक भी खत्म हो गई। बढ़िया, सुनो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरी गेम को हाथ मत लगाना। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरी गेम को हाथ मत लगाना। बेवकूफ कहीं का। तो वो चला गया है, यही मौका है।
उसे ये ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो इस गेम में अपने आप को माहिर समझता है। मैं उसे दिखाती हूँ मैं कितना बढ़िया खेल रही हूँ। वो तो इसके आस पास भी नहीं है। ये लो और ये कैसा लगा? ओह नहीं, मैंने मग गिरा दिया। ओह वो गिर गया। नहीं ये तो टूट गया। अब मैं क्या करूं? अब उसे पता चल जाएगा कि मैं उसकी गेम खेल रही थी। एक सेकंड रुको, मैं समझ गई। जी हाँ तुम मेरे साथ आ रहे हो। अब मैं अपना 3D पेन इस्तेमाल करूंगी। इससे सारी परेशानी हल हो जाएगी। बस इसके कोने को ट्रेस करना है। हाँ हाँ अभी तक तो ठीक लग रहा है। ऐसा ही करते रहना होगा। अब इसे ऊपर की तरफ से लगाएंगे और लाइंस बनाते जाएंगे। जैसे इसे चिप कर कर बंद करना हो या एक पैच बनाना ही समझ ले। इसमें बहुत सारी लाइंस चाहिए होंगी और जरूरी नहीं है कि परफेक्ट हो। बस काफी सारी बेस लाइन होनी चाहिए। हाँ और ये देखो, लगता है मैंने उसे ठीक कर दिया। मैं इससे अच्छा और कुछ नहीं कर सकती थी। ओ नहीं वो वापस आ रहा है। मुझे अपनी जगह पर जाना होगा। जल्दी करो चेक पर वापस चलो। मैंने कर दिखाया। कुछ तो गड़बड़ है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। लगता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ खैर छोड़ो, जो भी हो चलो मैं अपना मग वापस फिल कर लेता हूँ। इस लेवल को जीतने के लिए मुझे हाई ग्रेड रहना जरूरी है। बढ़िया है, उसने देखा तो नहीं ये मेरे मग पर क्या है। खैर ये इसका क्या ही कर लेगी। छोड़ो मैं अपनी गेम खेलता हूँ। जी हाँ ये रहा मेरा मोल्ड और मेरा फिलर। चलो अब इसे भर दे। ये स्पार्कली है और मजेदार। बस थोड़ा सा और हो गया। अब इसे सेट होने दे। काफी समय हो गया है, चलो अब इसे मोल्ड से निकाल ले। मुझे मेरा स्पार्कली यूनिकॉर्न बहुत पसंद है। और देखो अब ये मेरे फोन केस पर लग गया। ये कैसे हुआ? मुझे पढ़ना ही होगा। ठीक है ये ठीक लग रहा है, अब मैं समझ गई। लेकिन अगर मैं मेरा सर क्लास। हे भगवान, ठीक है शांत रहो, ये बहुत अच्छा मौका होगा। अब चलो अंदर चले। हे मेरे भगवान ये तो कमाल ही हो गया। देखो इस क्लासरूम में कितने कूल लोग हैं। वो उधर कोने में टैटूज बना रहे हैं और ये लड़का यहाँ गिटार बजा रहा है। कितना कूल है। करते रहो, ये सबसे अच्छा टैटू होगा। ओह लगता है उसे दर्द हो रही है। उम्मीद है इनकी नीडल्स ठीक है। ओह लगता है ये अच्छी होगी। शायद नहीं। वो उसने उसे आर्म रेसलिंग में हरा दिया। हे भगवान वो तो टीचर है। क्या एक ड्रेस को? खैर अब मुझे क्या करना होगा, देखते हैं। ओह पियर्सिंग्स, इतनी सारी पियर्सिंग्स। हाँ अब मैं क्या करूं? मैं इस क्लास के लिए इतनी कूल नहीं हूं, पर मैंने ये होमवर्क किया है। हे एक सेकंड रुको, पेपर क्लिप। हे भगवान मैं इसके साथ कुछ कर सकती हूँ। जी हाँ मुझे इसके लिए एक पेपर क्लिप चाहिए, चार काफी होंगे। और अब मुझे एक वायर कटर चाहिए। बस इन हुक्स को मैं अपनी नोज और लिप्स पर पहन लेती हूँ। अब कपड़े और बाल भी बदलने होंगे। जरा मैं इस बार क्लास से मिलूं। कितने कूल है, हमारी क्लास में तुम्हारा स्वागत है। रॉक ऑन, हमारी जैसी। उसके पियर्सिंग्स को देखो। वाह मुझे वो बहुत पसंद आई, मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। ये क्लास की बात करना प्लीज। हाँ ठीक है। हे आओ मेरे साथ वाले डेस्क पर बैठो। भागो हम बारिश में गीले हो रहे हैं। लगता है ये रुक गए। भगवान का शुक्र है। हाँ काफी मुश्किल हो रहा था। ओह नहीं मेरा चेस बोर्ड, ये तो खराब हो गया। पता नहीं ये हुआ भी कैसे। सुनो ये रहना, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं ठीक है मैं लगभग तैयार हूँ, बस अपना चेहरा बचाना होगा। ग्लव्स तैयार है, चलो काम शुरू करें। ये रहे मेरे मोल्ड्स, अब मैं इसमें थोड़ा ग्लिटर डालती हूँ। ठीक है अब मैं इसे अपने मोल्ड्स में डालती हूँ, ज्यादा नहीं। अब इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा रेड और बिल्कुल थोड़ा ग्लिटर। बढ़िया अब इसे दूसरे मोल्ड में डालते हैं। परफेक्ट अब इसे सेट होने देते हैं और लगता है ये पूरा हुआ। हाँ ये निकल गया, काफी बढ़िया बन रहा है। मुझे ऐसे थोड़े और बनाने होंगे। ये बनना शुरू हो गया है पर मुझे और क्लियर मिक्सचर चाहिए।
इसकी कंसिस्टेंसी ठीक लगती है। अब इसे मोल्ड में डाल देते हैं। सारे स्क्वायर शेप में इसे भरेंगे और जो पहले से बना रखे हैं उन्हें भी यहीं लगा देंगे और बिल्कुल सही अमाउंट होना चाहिए। इस आखिर वाले को छोड़कर बाकी सारे फिल हो गए हैं। पूरा हुआ। हे भगवान, कितना बढ़िया लग रहा है। हे, और उदास मत हो, मैंने तुम्हारे लिए नया चेसबोर्ड बनाया। मेरे लिए? वाह, ये तो बहुत जबरदस्त है। हे, तुम खेलना चाहोगी? चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ, मैं वापस आ गया। मैं जानता हूँ उसे ये बहुत पसंद आएगा। छिप कर जाना होगा। बताओ कौन? ओ हाँ, कौन होगा? कोई इंसान ही है। ओ जी, ये तुम हो। हैप्पी बर्थडे। और जरा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। ओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं इसे देखने का इंतजार नहीं कर सकती। उसे बहुत पसंद आएगा। चम्मच? ओ नहीं, ये कैसे हो गया? मुझे सोचना होगा आज क्या हुआ था। वाह, ये बहुत खूबसूरत नेकलेस है। उसे पक्का ये पसंद आएगा। मैंने ये गिफ्ट बहुत मुश्किल से लिया है। एक सेकंड रुको, क्या टाइम हो गया? ओह नहीं, मैं लेट हो जाऊंगा। मुझे जल्दी जाना होगा। ओह, ये मैंने कैसे कर दिया? क्या? वाह, मेरी ताकत ने इस चम्मच को भी तोड़ दिया। हाँ, हालांकि ये थोड़ा शाइनी है। शायद मैं इसके साथ कुछ कर पाऊँ। ठीक है, ये रहे मेरे प्लायर्स और पहले इसके हैंडल को मोड़ेंगे। ये देखो, बस थोड़ा स्वर्ल करना है और इसमें थोड़ा ग्लिटर डालेंगे क्योंकि ये अच्छा दिखना चाहिए। वाह, ये देखो, और अब इसे सूखने दें। वाह, कमाल का लग रहा है। जैसा सोचा था उससे काफी बेहतर। ठीक है, मैंने आज का दिन बचा लिया। हाँ, वो क्या कर रही है? ओह, वो तो सो ही गई। खैर, पर उसे गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। चलो इसे मजेदार तरीके से उठाएं। वाह, तुम सब यहाँ कैसे आ गए? देखो, मैं ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। हे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये वाला बर्थडे सबसे अच्छा रहा। ओह, सब गीला हो गया। क्या गड़बड़ है? बाल देखो और मेकअप। वो बहुत तेज बारिश है। शुक्र है मैं छाता नहीं भूली। हाँ, ये सही नहीं हुआ। हे भगवान, ये क्या हुआ? मौसम ने सब बिगाड़ दिया। हाँ, तुम्हारे बालों को मदद की जरूरत है। हे, एक सेकंड रुको, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। देखो, वो रहा हैंड ड्रायर। अपना सर इसके नीचे रखो, ये काम करेगा, भरोसा करो। बढ़िया, हो गया। बाल सूखने दो। अरे वाह, इसने तो मेरे बाल ठीक कर दिए। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे अब बेहतर महसूस हो रहा है। मॉर्निंग शावर के बारे, बाल सूखे रहने चाहिए। ये रहा बॉडी स्क्रब। ओह हाँ, मजा आने वाला है। हाँ, इतना बहुत है। स्क्रब स्क्रब स्क्रब, मुझे साफ त्वचा पसंद है। ओह, मैं बाल तक नहीं पहुंच पा रही। चलो भी थोड़ा स्ट्रेच करना होगा। रखो, दीवार इस्तेमाल करके देखती हूँ। नहीं, बिल्कुल काम नहीं आया। अगर मैं, अरे हाँ, आ जाओ ग्लू गन। कुछ स्क्विगली लाइंस बनानी है। बढ़िया, और अब डॉट्स। कितना प्यारा पैटर्न है। हाँ, ये काम करेगा। चलो देखते हैं। हे, बुरा नहीं है। बिना हाथ इस्तेमाल किए मैं बैक स्क्रब कर रही हूँ। ओह हाय डियर, मस्ती करने के लिए तैयार हो? हे, सॉरी। एक मिनट रुको, मेरे पोते के पास भी ये है। तुम्हें बस एक हॉट ग्लू गन चाहिए
और थोड़े मजेदार कलर्स। जितने बटन्स चाहो उतने फिल करो। परफेक्ट, अब ये तैयार हैं। है लगभग। हाँ, ट्राई करना चाहोगी तो ये लो। ओह, एकदम फिट आ गए, मुझे पसंद आया, शुक्रिया। चलो चलें। हम गिर गए, अब हम नहीं उठ सकते। क्या ये पूरा हो गया? हाँ, काफी हद तक हो गया। बढ़िया, रुको। मेरी मॉम ये टैटू देखकर बहुत गुस्सा होंगी। हेलो, तुम यही हो ना? क्यों? माफ करना, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, गहरी सांस लो। शुक्रिया, एक मिनट रुको। शायद मेरे पास एक आइडिया है। इस तरह का एक रबर मोल्ड लें और इसमें रंगीन गमी बेस डालें। मैं यूज के लिए बहुत सारे लूंगी। अब इसे बैंड पर लगा दें। अब बेस के ऊपर ध्यान से एपॉक्सी रेसिन डाल दें, बिल्कुल ऊपर तक भरें। अब ये पहनने के लिए तैयार है। और कितना प्यारा लग रहा है। और इससे मेरा टैटू भी छिप गया। अब सब सही है, तुम इसे कवर कर रहे हो। कुछ भी करो। बैठिए, तुम घर आ गई। हाय मॉम। हाँ? ओ, एक टैटू। हाँ, मेरे वाले के मुकाबले तो बहुत छोटा है, देखो। वाह, आप सबसे अच्छी है। जैसी माँ वैसी ही बेटी। छोटे छोटे हाथों से तालियां। ये कभी बड़े नहीं होते, जरा इन्हें तो देखो। हैंडकफ्स। याइक्स। ओ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैंने ये कब खरीदे? ये भी गए। नेल पॉलिश नहीं जाए। इस बॉक्स का काम तो पूरा हुआ। ओह, कितनी बुरी बदबू है। सुपर अच्छा लगा। और चीजें क्यूट है, पर मुझे और चाहिए। इसमें क्या है? वो हाँ ठीक है। न्यू पॉलिश, मैं ये जरूर इस्तेमाल करूंगी। मैनिक्योर टाइम, पर ये कोई आम मैनिक्योर नहीं है। हम इस बार उंगलियों को सजाएंगे। ये स्ट्रिप देखिए, अब इसे सूखने दें और यूवी लाइट के नीचे रख लें। ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब इसे निकाल लें और सबसे मजेदार चीज, इसे सजाना। इस तरह का ब्रश सही काम करेगा। ये दिल कितना प्यारा है ना? इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर है बढ़िया। देखा, अब हमारे पास नई रिंग है, वो भी दो। मुझसे सांस लो। हाँ? लाजवाब, ये रिंग तो बहुत सुंदर है। ये मैं इनके लिए पैसे दूंगी। पहले तुम दो। तुम? चलो ठीक है। ये मैं अमीर हो गई। मैं इन्हें धो लेती हूँ। क्या तुम लोगों को भी रिंग चाहिए? ग्लिटर एपॉक्सी से एक सिरिंज भर लें और उसे बटरफ्लाई मोल्ड में डालें। एपॉक्सी को सेट होने दें। अब उसे मोल्ड से निकाल लें। रिंग से कीचेन और हुक अटैच करें। इससे बहुत सुंदर इयररिंग्स बनेंगे। वाह, अच्छे लग रहे हैं। किसने कहा ये महंगे ही होने चाहिए? मुझे पिंपल्स पसंद नहीं है। मेरा चेहरा एक पिज्जा जैसा लग रहा है। पर मैं कोस कोस कर क्या करूं? मुझे इसका कुछ करना होगा। इस शेविंग फोम को चेहरे पर लगा लेंगे। मैं शेव नहीं करूंगी, बस इसे साफ करना है। और अब ब्लेमिशेस नहीं रहे। अब हम एक क्लेंजिंग स्प्रे इस्तेमाल करेंगे और फिर मॉइस्चराइज करेंगे। अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा लिक्विड फाउंडेशन डालेंगे और ब्रश करेंगे। इसके लेयर बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। हाँ, और अब क्या? थोड़ा सा पाउडर। अब मेरी स्किन चमकने लगेगी। इससे कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं अपनी आईब्रोज करूंगी, इससे इसकी लुक पुलर आएगी। मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं पर्पल आई शैडो इस्तेमाल करूंगी। और मस्कारा कैसे भूल सकते हैं? विंग लुक अच्छी लगेगी।
अब हम ब्लशर लगाएंगे, इससे चीक्स पर अच्छा कलर आ जाता है। बढ़िया जा रहा है। अब लिपस्टिक लगाएंगे, मुझे कुछ नेचुरल ही चाहिए और लिप्स अच्छे दिखने जरूरी है। मेरा मेकअप पूरा हो गया, हालांकि बालों और कपड़ों का भी कुछ करना होगा। हाँ मैं जानती हूँ, ये हुई ना बात, अब अच्छा लग रहा है। नॉक नॉक। ओह हे, ये तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। बहुत मजा आएगा, ये तो शानदार है। वो लगता है मैं आज लकी हूँ। एक कॉन्टोरिंग स्टिक, मुझे यही तो चाहिए। पर ये ट्वीजर्स किस लिए हैं? रुको, ये स्मेल कैसी? बहुत बुरी है। हे लूना। हाय डैड। ओह, एक ब्यूटी बॉक्स, मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। आपको भी स्मेल आ रही है ना? हाँ, क्या मैंने आज सॉक्स बदली थी? ये क्या बकवास है। ओह, मैं इन ट्वीजर्स से स्मेल रोक लेती हूँ। अब बेहतर है। ये कैसी सी लग रही हो? ये कचरे के थैले से आ रही है डैड। ओह हाँ, मैं ये तो भूल ही गया। हाँ हाँ, बहुत ही बुरी है। इसे बाहर ले जाओ जल्दी। ठीक है, अब मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ। हाँ सच में बिल्कुल बेवकूफ लग रही हूँ। रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया, इससे मैं अच्छे से कॉन्टोरिंग कर सकती हूँ और ट्वीजर्स गाइड की तरह काम करेंगे। इसकी मदद से मैं एक नेचुरल लाइन बना दूंगी, बस इसे फॉलो ही तो करना है। जब ये हो जाए तो कॉन्टोरिंग पेन को उल्टा करेंगे और बिल्कुल बीच में थोड़ा लाइट कलर करेंगे और अब ब्लेंड करेंगे। इससे मेरी नोज पे काफी डेफिनेशन आ जाएगी और इससे हम चीक बोन्स भी हाईलाइट कर सकते हैं। चलो देखें। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये बहुत आसान था। एक मिनट रुको, अभी भी कचरे की बदबू आ रही है। हाँ सच में, उसने अपने नाक पर ट्वीजर्स लगा लिए थे। डैड, वो कचरा, उसे ले जाओ, इसकी बदबू हर जगह फैल रही है। ओह हाँ, मैं ये तो भूल ही गया था, मुझ पर भरोसा रखो हनी, लगता है मुझे इसे जला देना चाहिए। आखिरकार ताजी हवाएं, और अब मैं अपना काम देख सकती हूँ। इस बार मुझे क्या मिलेगा? ये एक मिस्ट्री है। ये क्या है? बढ़िया लग रहा है, लिपस्टिक अच्छी हो तो क्या ही बुरा होगा। और मुझे ये शेड बहुत पसंद है। हाँ ये ठीक नहीं है, चलो ठीक करें। आराम से, इसे खराब नहीं करना। अब दूसरी तरफ, लो हो गया। ये क्या बकवास है, ऐसा लग रहा है मैं सर्कस में हूँ। हे, ये क्या है? निकलो यहाँ से। अच्छी चीजें तो ही क्यों मिलती है? ये मुझे दो, ये मेरा है। ये क्या? ये तुमने लिपस्टिक के साथ क्या कर लिया? चुप रहो, देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। ये तो बहुत फनी है। मैं शर्मिंदा हो गई हूँ। एक मिनट रुको, ये क्या है? शायद मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, ये टेम्पलेट परफेक्ट है। मुझे इसे पहले साफ करना होगा। अब लिप्स पर ये टेम्पलेट रख सकते हैं। काश मुझे पहले पता होता, बस इस लिपस्टिक को इस तरह चलाएंगे और ये फैलेगी भी नहीं। बस ये काम करें। वाह, कमाल के लग रहे हैं। शुक्रिया, जस्टिन को मिल गया। हाँ, मेरे बॉक्स को क्या हुआ? वो यही तो था। मैं लूना हूँ और मैं खूबसूरत भी हूँ। हे, उसे रख दो। भागो। जस्टिन, वापस आओ। मुझे अब क्या ट्राई करना चाहिए? अजीब है, क्या प्लास्टिक रैप यहाँ होना चाहिए था? मैं इसका क्या करूँ, मतलब इसमें सैंडविचेस तो रैप कर सकते हैं, पर समझ नहीं आ रहा। हे लूना, कैसी हो? कितना कूल है, मजेदार भी। क्या इससे टाइम पास अच्छा होगा? ये मुझे दो। अरे नहीं, मजा आ रहा है। दे दो गैबी। हे, ऐसे तो मत करो। जो भी हो, मैं किचन से जाकर ले लेती हूँ। तो मैं इसका क्या करूं? गैबी तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गई है। एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। चलो ट्राई कर देखते हैं। प्लास्टिक रैप को लिप्स पर रखेंगे और इसे बड़ी सी किस देंगे। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएंगे और प्रेस करेंगे। लिपस्टिक फैलनी नहीं चाहिए। अब इसे आराम से निकाल देंगे। लिपस्टिक मार्क परफेक्ट लग रहे हैं। लगता है कोई बहुत पॉपुलर है और लोग मुझे किस करते ही रहते हैं। तुम्हें ये मिलना चाहिए।
आखिरकार मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। हे लूना, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। हाँ, मैंने वुडू बना दिया। रुक जाओ। कभी नहीं। ओह, ये कितना बदतमीज है, और उसने मेरे बाल खराब कर दिए। अब मुझे दोबारा शुरू करना होगा। कोई और लोग ट्राई करते हैं, शायद इस ब्यूटी बॉक्स में कुछ हो जो इस्तेमाल हो जाए। देखते हैं। रुको, ये क्या है? ओह, इस बैग में कुछ अच्छा है। इतनी सारी हेयर टाइज। आसान हो गया। बालों को एक सेक्शन लेते हैं और इस तरह पकड़ते हैं। अब हमें हेयर टाई चाहिए। इसे इस तरह पकड़कर इसमें डालेंगे और फिर घुमाकर निकाल लेंगे। एक और बार पक्का करने के लिए इसे दोबारा ट्विस्ट करेंगे और नीचे की तरफ भी कुछ ऐसा ही चलेगा। इससे सेक्शन भी डिवाइड हो गए। आखिर में बालों को फोल्ड कर लेंगे और लूप बना देंगे। अब दोबारा फोल्ड करेंगे और इसे छोटा कर देंगे। यहाँ पर एक और हेयर टाई लगा देंगे। अब इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और एक और हेयर टाई से ये टिक जाएगा। दूसरी साइड भी कुछ ऐसा ही करना है। इतना काफी है। मुझे एक नया हेयर स्टाइल मिला। अब मेरे बाल कभी बुरे नहीं दिखेंगे। वाह, कितना बढ़िया लग रहा है। और ये बहुत आसान था। मुझे मैनिक्योर करवाना चाहिए। घर पर बिल्कुल वैसा नहीं होता। अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, मुझे ब्यूटी बॉक्स देखना होगा। मुझे निराश मत करना। वो ये परफेक्ट है, जैसे मेरी मन की बात जानता हो। अब जल्दी मेरे खूबसूरत नेल्स होंगे। चलो शुरू करें। बहुत आसान है। अब मुझे अपने नेल्स पर ये फेक नेल्स लगाने हैं और ये टिक जाएंगे। कितना सुंदर कलर है। काश मेरे पास ऐसी नेल पॉलिश होती। कितनी जल्दी और अच्छे से हो गया और खूबसूरत भी दिख रहे हैं। ओह, क्रिस कॉल कर रहा है। उठा लेती हूँ। मैं फोन नहीं उठा पा रही। ये तो परेशानी की बात है। बहुत गुस्सा आ रहा है। हेलो क्रिस, तुम मुझे सुन पा रहे हो? अभी बात होने वाली थी। इतने लंबे नेल्स होने का कोई फायदा नहीं होता। हाँ, उसका मैसेज आ गया। कितना प्यारा है। इसका क्या मतलब है? दोबारा ट्राई करते हैं। आउच, मेरा नेल, मैंने ये तोड़ लिया। अच्छे लोगों के साथ ये सब क्यों होता है? ये निकल गए। कम से कम ये हो तो सकता है। निकल जाओ, मुझे इसे तोड़ना नहीं है। ये कैसा मजाक है? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैं फेक नेल्स नहीं उतार पा रही। अच्छा, मैं हमेशा पहन कर नहीं रख सकती। एक मिनट रुको। एक आइडिया है डैड, मुझे वो फ्लॉस दो। नहीं, फ्लॉस। सच में? मैं कह रही हूँ फ्लॉस, ये मुझे दे दो। पर मुझे ये चाहिए। मुझे ज्यादा जरूरत है। इस नेल को हम फ्लॉस से हटाने की कोशिश करेंगे। और ये निकल गया। और ये बहुत मजेदार है। वाह, इतनी जल्दी? तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? मैं ना नेचुरल ही रखना चाहूंगी। ओ, आप ये वापस ले लो। ठीक है, ये बिल्कुल गंदा नहीं है। शुक्रिया हनी। मुझे क्रिस को मैसेज करना होगा। हाँ, अब बेहतर है। मैं अब फेक न्यूज नहीं लगाऊंगी। नई ज्वेलरी क्यों खरीदनी है जब आप उसे खुद बना सकते हैं? पिंक जितना भी हो मुझे कम ही लगता है। और शेप्स के मामले में हार्ट शेप में जेम्स बहुत अच्छे लगते हैं। लो, एक से बेहतर दो। अब एपॉक्सी रेजिन की बारी। घबराए मत, हम इस पर स्पार्कल डालेंगे और सुंदर सुंदर बीड्स भी। ये कितना प्यारा लग रहा है। बहुत खूबसूरत, लाखों में से एक, बिल्कुल मेरी तरह। वो एक असली मोमेंट, विश्वास नहीं होता। हाय। ओह, हेलो ह्यूमन। ओह, पास आओ। मैं, पर मेरे फिन्स हैं। देखो। ओह अच्छा, ये देखो। पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है? वाह, ये तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया। You're welcome। ये शानदार है। ओह, मेरी आँखें। हाँ, वो कहाँ चली गई? ये क्या हुआ? क्या वो पानी में है? हाय फिशी। नहीं,
क्लेयर? हाँ? ओ, तुम हो, मैं बहुत खुश हूँ। और ये मेरा स्कूल है। ओह हाय एवरीवन, ठीक है एक बार मैं ही आओ। अरे वाह, साइन कर सकती हूँ प्लीज? वाओ, हेलो, मैं यहाँ हूँ, देखो। रुको, मैं कुछ सोच नहीं पा रही। रुको, मेरे रास्ते से हटो। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। अब जरा देखो, ये प्रिंटेड डिजाइन देखो। शेप बनाने के लिए बेंडेबल वायर इस्तेमाल करें। लो, अच्छा लग रहा है। जब ऐसे दो बन जाएं, तो दो कप एपॉक्सी रेजिन के साथ जो भी मनपसंद कलर हो वो डाल दें। बढ़िया। इसे स्टिक से फिल कर दें, इस तरह। और पर्ल कलर यहाँ डालें, इसे फ्लैट कर दें। अब इस तरह सर्कल बनाएं। ये छोटा सा सन लग रहा है, बहुत प्यारा है। और इस साइड पर छोटा सा क्रेसेंट मून बनाएं। ग्लॉस से ये टिक जाता है। परफेक्ट, ये सब सूख गया। जरा देखो। एक्सक्यूज मी, मैं आ रही हूँ। शुक्रिया। बिल्कुल। वाह, कितना क्यूट है। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। हे, ये मैच कर रहे हैं। हे हे, मेरी बेस्टी से आराम से पेश आओ। हे, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब हम साथ साथ हैं। ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। टाइम हो ही गया, हम आजाद हैं। रुको, हाँ मेरे पास स्नैक्स है, ये लो। शुक्रिया, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। हे, जरा ये एड देखो। वो, इसे अभी खरीद लो। पीका पीका। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। बढ़िया है ना? ओ हाँ, बहुत स्वादिष्ट। काश मेरे हाथ और बड़े होते। बहुत अच्छा है। तुम्हारे पास चम्मच है ना? एक चम्मच? खैर, ये बहुत अजीब है। आहा, अब थोड़ी आइसक्रीम लो। सच में? पर मैं इसे अपने मुंह में कैसे डालूं? ये बहुत मुश्किल है। बस पकड़ ही लिया। मजेदार है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? क्या ये पोकेमोन की चेन है? कूल। wow. मुझे भी ये डील चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत क्यूट है ना? अरे यार, आज ही अपनी किचन ले लो। कॉल करो या फिर टेक्स्ट। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हाँ, मेरे पास भी नहीं है। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बस ये चम्मच चाहिए। हाँ, ये क्ले के पीसेस देखो, इन्हें इस तरह रोल करो। अब इसे स्पून के ऊपर रखे। एक और स्पून से इसे फ्लैट कर दे। ये परफेक्ट है। अब एक मजेदार हिस्सा, बहुत सारा ग्लिटर डालेंगे। अल्ट्रा वायलेट लाइट से इसे सुखा देंगे। हो गया, अब इसे निकाल लेंगे। सुंदर है। वाओ, अब मेरे पास अपनी की चेन है। इसे बैकपैक पर लगा दो प्लीज। हाँ, ये लो। और इसमें बिल्कुल पैसे नहीं लगे। अरे हाँ, जरा ये तो देखो। तुम मेरी सबसे अच्छी मोमेंट बेस्टी हो। ओह, अरे यार, ये पिघल गई। ये आइसक्रीम सूप है। ओह, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ओह, तुम काउच पर बैठना चाहती हो? तो चल कर जाओ। लो, तुम थक गई होगी। चलो ब्रश करें। बाल खुद से नहीं चमकने लगेंगे। ठीक है, तुम अच्छी लग रही हो। हम कुछ मजेदार करने चलें। मैं तुम्हारा पर्स लाता हूँ। उप्स, मेरी गलती है। मिल गया। नहीं, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? तुम्हारी फेवरेट शर्ट फट गई। इतना बुरा कौन करेगा? मुझे तुम्हारे पहनने के लिए कुछ ढूंढना होगा। ओह, तो तुम यहाँ आओ।
तुम जानते हो ना क्या करना है? चलो शर्ट ठीक करें। अगर आपके पास ये हो तो सुई धागा किसे चाहिए, है ना? ओह, लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। जरा इसे देखो। पर मैंने पूरी कोशिश की। क्या हो गया हनी? लगता है तुम्हें मदद चाहिए। प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ क्या करना है। जरा एक मिनट में ये ले लूँ। मैं समझ गई। पहले तो हमें स्टाफ स्लेट चाहिए। पहले तो मैं इसकी बॉडी के लिए कस्टमाइज कपड़े बनाऊंगी। बस सही से लाइंस बनानी है और इस तरह टॉप बन चुका है। अब बॉटम्स पर आते हैं। पता है मैं क्या बना रही हूँ? आपने क्या सोचा? स्कर्ट। हाँ बिल्कुल सही। क्रिस क्रॉस डिजाइन से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम उसके ऊपर कुछ बना सकते हैं। टडा! चलो अब इसके गंजे सर का कुछ करते हैं। उम्मीद है उसे पूरे सर पर कर्ल्स पसंद आएंगे। देखो ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लो। वाओ, ये तो जादू हो गया। ये शानदार लग रही है। पर रुको, मैं एक और चीज ऐड करूंगा। तो चलो, कार्स को रोड्स के रूल्स ओबे करने चाहिए। हाँ, तुम आराम से जाओ, कार रुक जाएगी। क्या सोचा है? हाँ, चलो चले। ओह, सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना है। आज ही वो दिन है। देखो कितनी बढ़िया डेकोरेशन है। मॉम तो हिल जाएंगी। और उन्हें मेरा प्रेजेंट सबसे ज्यादा पसंद आएगा। मैंने अपने सारे पैसे इसी पर खर्चे हैं। जरा सा देख लेता हूँ। देखो कितना सुंदर है और कितना चमक रहा है। मैं अभी से सोच सकता हूँ। उन्हें बहुत पसंद आएगा। हैप्पी बर्थडे मॉम। शुक्रिया। पिज्जा रोल्स की खुशबू आ रही है। मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, शुक्रिया। हाँ 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 बिल्कुल। ये अजीब था। ओह क्या, काउच पर टियारा किसने रख दिया? रुको, इस पर तो फॉर मॉम लिखा है। ये मेरे लिए था। ओह नहीं, हमें इसे ठीक करना होगा। टेप लेते हैं। ओह नहीं, ये काम नहीं करेगा। बहुत बुरा हुआ। लेकिन मैं इसे अपनी ग्लू गन से ठीक कर सकती हूँ। हाँ हाँ यही करना चाहिए। चलो कुछ अलग सोचें। पहले सब कुछ जोड़ देते हैं। हम यहाँ पर थोड़ी ग्लू लगाएंगे, थोड़ा सा और ऐड करने के लिए। और मुझे बबल गम पिंक बहुत पसंद है। इससे सारे होल्स फिल हो रहे हैं और इसकी वजह से इसका जोड़ कम दिखाई देगा। थोड़ा सा और हो गया। जूल में थोड़ा सा और लगा देते हैं, क्यों नहीं। और मुझे पर्पल तो बहुत ही पसंद है। हेयर आपको कैसा लगा? पुराना वाला गया तो नया वाला आ गया। वाह, मुझे बहुत ही पसंद आया। वो आ रहा है। बच गए। नॉर्मल हो जाओ। और अब देखते हैं। हैप्पी बर्थडे मॉमी, मैं आपके लिए ये लाया हूँ। ओह, इसकी क्या जरूरत थी लियो? बोलो ना। ठीक है। ओह, जरा ये तो देखो। मुझे हमेशा से एक टियारा चाहिए था। ये मुझ पर अच्छा लग रहा है। ये पहले अलग लग रहा था। ओह हनी, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे बेटे हो। लो पंच, लो ये भी लो, मैंने खुद बनाए हैं। वाह, इन जिंजर कुकीज की खुशबू कमाल की है। वो आ गई। हे भगवान, ये बहुत खूबसूरत है। जब वो इस स्लो मोशन में हेयर शेक करती है तो मुझे और अच्छी लगती है। और उसके ग्लासेस कितने अच्छे हैं। वो पक्का इससे फ्यूचर देख सकती है। हाय, तुम्हें मेरी कुकीज चाहिए? हाँ बिल्कुल, शुक्रिया। ये बहुत अच्छी है। लो तुम भी एक बाइट लो। हाँ, अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा ना। ये रूम कहाँ है? ठीक है, यही मौका है। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, सब ठीक रहेगा। ओह नहीं, ओह मैं इतनी जोर से गिरा। मैं किस चीज के ऊपर गिरा हूँ? ओह एक कुकी कटर। अरे वाह, वो कितने खूबसूरत है।
वैसे इससे मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया। मैं एक हार्ट शेप कुकी कटर से एक हार्ट बनाऊंगा। अब हमें इसके बीच में फिल करना है। इसे साफ रखने के लिए मैं एक सिरिंज इस्तेमाल करूंगा। यूवी लाइट से जल्दी सूख जाएगा, पर हमें इसमें ग्लिटर भी चाहिए। ये छोटे दिल, तारे और फूल बहुत खूबसूरत है। ऐसा ही एक और इस पर लगा देंगे। शानदार। मैंने किचन तुम्हारे लिए बनाई। ओ वाह, तुमने ये मेरे लिए बनाई, मुझे बहुत पसंद आई। ये गमीज अच्छी है। हे, इस ट्रॉफी को देखो, मैंने ये जीती है। हाँ, तुम मानोगी, बढ़िया है ना? तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ बिल्कुल हुई। देखो इसमें गमी बेयर्स फिट आ जाएंगे। क्या? नहीं। अच्छे है। देखो तो इस तरह मैंने ये ट्रॉफी जीती। ये सबसे अच्छा डाइवर के लिए है। मैं सबसे अच्छा डाइवर हूँ। अरे वाह, तो अब मैं समझी, काफी कूल है। और मैं कब से तुम्हें ये देने का इंतजार कर रही थी। वो कितनी बढ़िया कीचेन है, क्या तुमने ये बनाई? इसे बनाना बहुत आसान था। मैंने बस एक प्लास्टिक बैग लिया और फिर उसमें छोटे शेल्स डाल दिए और फिर इसके अंदर लाइट ब्लू रेसिन डाला। मैंने इसे शेल के साथ ही डाल दिया। अब ये समुद्र के पानी जैसा लग रहा है। ठीक है, इतना काफी होगा। और अब इसे सेट होने देंगे। ये देखो, और अब बस प्लास्टिक बैग निकाल देंगे और बिल्कुल की चेन तो लगानी ही है। बिल्कुल ऊपर की तरफ इसे लगाकर, ये देखो, ये हो गया। ये ट्रॉफी के इस पार्ट पर कटा जाएगा। ओ वाह, अब ट्रॉफी और भी अच्छी लग रही है। हाँ बिल्कुल, आज का दिन बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हनी। मुझे अपना आर्ट वर्क बनाना बहुत पसंद है। हे, तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं मत देखो, ये इतना अच्छा नहीं है। चलो भी, मुझे देखने दो, पक्का ये इतना बुरा नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, देखो। वाह शानदार, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया। तुमने थोड़ा गन मचा दिया है जे। जानता हूँ, पर रुको, मैं ठीक कर सकता हूँ। तुम बस यही रहना, मैं कुछ कर दिखाऊंगा। सबसे पहले इस पेंसिल को शार्प करेंगे। ये देखो कितना बढ़िया स्पाइरल बन रहा है ना। अब मैं इस पर रिंग लगा दूंगा। देखो ये फूल की तरह बन गया। जैसा सोचा था कि उससे भी अच्छा बना है। तादा! मैंने तुम्हारे लिए ये रिंग बनाई। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है। तुमने ये पेंसिल शेविंग से बनाई, विश्वास नहीं होता। मुझे हेयर स्कार्फ बांधना होगा, पर ये थोड़ा बोरिंग है। काश थोड़ा मजेदार होता। हम सांप को इन कप में रखेंगे। अब हर एक में पेंट डालेंगे, अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करेंगे। ये बढ़िया दिखना चाहिए। स्कार्फ पेंट अब्सॉर्ब कर लेगा और इससे एक कूल सा रेनबो इफेक्ट बनेगा। बस सब आराम से करना है। अब ये आखिरी है। देखो कलर्स मिक्स हो रहे हैं। ये हुई ना बात, कितना बढ़िया लग रहा है। चलो चलिए। भगवान, विश्वास नहीं हो रहा, क्रिस मुझे मैसेज कर रहा है। तो कितना फनी है और प्यारा भी। ओह कैसी आई है, कैसी हो नर्ड? ओह हाय, क्या बात है? मैं क्लास के लिए अपना सामान ले लेती हूँ। वाह उसका फोन तो देखो, मेरे वाले से काफी बेहतर है। हाँ कुछ हुआ है मुझे क्या? उसके पास फैंसी पेंट ब्रशेस भी है और मेरे पास सिर्फ यही है, एकदम पुराना सा। मेरे पेंट्स कहाँ है? ये बहुत महंगे हैं, पर मुझे सबसे अच्छा ही चाहिए। बढ़िया लग रहे हैं, मैं अपना पेंट निकाल लेती हूँ। ओह मैं अपना इरेज़र तो भूल ही गई, मुझे इसकी जरूरत है। ये कैसा मजाक है, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ? सच में ये तो शर्म की बात है, तुम ये क्या कर रही हो? हे, ये काम किया, मुझे कहीं और बैठना होगा, तो मेरी रेपुटेशन खराब कर रही हो। तो शुरू करते हैं। वो जरा इसकी स्नीकर्स तो देखो, कितनी फैशनेबल है, मुझे बहुत पसंद आए। मैं ऐसी स्नीकर्स कभी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, मानना पड़ेगा यही जिंदगी है। रुको, लगता है मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने स्नीकर्स को मेकओवर देने के लिए ये पेंट इस्तेमाल कर सकती हूँ। ट्राई कर देखते हैं। पहले लेसेस निकाल लेंगे। अब मुझे अपना पेंट ब्रश चाहिए। पहले येलो कलर लेंगे, कितना ब्राइट है। पहले इसे स्नीकर के टो पर लगाएंगे, अच्छे से कवर कर देंगे। ये बढ़िया दिखना चाहिए। इस पार्ट पर आराम से काम करेंगे, बिल्कुल गैप्स नहीं छूटने चाहिए। ये मजेदार है, ऐसा लग रहा है मैं फैशन डिजाइनर हूँ।
अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग कलर्स करेंगे। ये मल्टी कलर स्नीकर होगा। हील पर येलो कलर करेंगे। सोल पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तभी हम इसे समय लेकर करेंगे। मैं नहीं चाहती कि इतनी मेहनत खराब हो जाए। अब और कलर्स लेंगे। टंग पर पिंक कलर करेंगे। इसे इवन ब्रश स्ट्रोक से करेंगे। ये काफी अलग दिखेगा। शुक्र है मैं हाथ टिका कर काम कर लेती हूँ। ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है। अगले पार्ट के लिए स्पॉन्ज इस्तेमाल करेंगे। इसे इस तरह अंदर की तरफ लगाएंगे। ये फैब्रिक पेंट एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके ऊपर स्पॉन्ज को इस तरह डैब करेंगे। ऐसा ही पिंक पेंट के साथ भी करेंगे। इसे हील के अंदर की तरफ डैब करेंगे। ये करने में कितना मजा आ रहा है। अब इसे सूखने देंगे। तब तक मैं बाकी का स्नीकर पेंट कर सकती हूँ। मैं रिजल्ट्स देखने के लिए बेताब हूँ। सब बहुत जलने वाले हैं। मुझे ऐसा सारे शूज के साथ कर लेना चाहिए, तब मेरे पास रेनबो कलेक्शन होगी। ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, पर हम एकदम आराम से करेंगे। हाँ, इतना पिंक काफी है। अब ब्लू की बारी है। इसे स्नीकर के आगे की तरफ लगाएंगे और पीछे हील पर भी। अब जितने भी पैनल्स बचे हैं उन्हें ब्लू ही कर देंगे। मुझे कलर ही इतना पसंद आ रहा है। कुछ पैनल्स को ब्लैंक छोड़ देते हैं। जब पेंट सूख जाए तो इसे ब्लैक पेन से आउटलाइन कर दें। इससे ये उभर कर दिखेगा और एक्स्ट्रा डिटेल भी आ जाएगी। ब्लैक लाइंस थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए ताकि कलर्स के बीच का कॉन्ट्रास्ट नजर आए। ये कार्टून इफेक्ट दे रहा है। इसे पूरे स्नीकर पर कर देंगे। अब पता चल रहा है ना कि मैं आर्ट क्लास जाती हूँ। मुझे इसमें ए मिलना चाहिए। लेसेस के होल्स को ना भूल जाएं। बस हो ही गया। स्नीकर्स पर कुछ लाइंस बना देंगे। इससे इसकी लुक पूरी हो जाएगी। अब लेदर वाली क्रीज़ भी होनी चाहिए। अब सोल पर लाइन बनाएंगे, वो भी उसके कोने पर। ये आखिरी पार्ट है और पूरा हुआ। हमने लेसेस भी लगा दिए हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया है। मेरे खुद के कस्टम स्नीकर्स और ये मैंने खुद किया है। मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। हाँ, अरे नहीं, तुम्हें पसंद आए? कोई कहाँ से लेकर आई है? बहुत गलत बात है। ओह, ये क्यूट है। ये सब मत करो। hey, मेरी एक फोटो लो। हाँ ठीक है। हाँ, मैं एक पोज मारूं? हाँ बिल्कुल, अच्छा लग रहे हो। मैं कैमरा के सामने बिल्कुल नेचुरल हूँ। ओप्स, नहीं। बाल बाल बचे। जरा रुको, मेरे नेकलेस से मुझे एक आइडिया आया। इस हैक से अपना फोन सेफ रखे। पहले एक लंबा सा थ्रेड ले। अब हमें एक डेकोरेटिव बीट चाहिए। थ्रेड पर बीट लगाएं और अलग अलग कलर्स के बीट्स लगाएं। कलर्स को इस तरह बदलें। जब ये हो जाए तो इस थ्रेड को बांध लें और ये बन गया आपका नया ब्रेसलेट। फालतू का थ्रेड काटी नहीं, हमें ऊपर की तरफ एक छोटा सा नॉट और बांधना है ताकि इसमें एक लूप बन जाए। एक तरफ इस ब्रेसलेट को रखें। अब हमें चाहिए फोन केस। केस की साइड से इस तरह निकाल लें और अब लूप से ब्रेसलेट निकाल लें। ध्यान रहे कि ये टिक जाए। अब केस में अपना फोन डालें। एकदम क्यूट, फैशनेबल और प्रैक्टिकल। मैं स्मार्ट हूँ ना, बस मुझे इसे अपने हाथ में पहनना है और मेरा फोन गिरेगा नहीं। वो, अब तुम मेरी फोटो ले सकती हो। ओह हाँ, आ गई। बहुत अच्छी फोटो है। कितना खूबसूरत है। दो हफ्ते हो गए, पता भी नहीं चला। हमने साथ कितना अच्छा समय बिताया। मैं इमोशनल हो रही हूँ। ओह हाय डेविड, मुझे ड्रिंक चाहिए। बाहर बहुत गर्मी है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये क्या है? एनिवर्सरी प्रेजेंट। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहती थी। वो थैंक्स, इसे पकड़ो जरा। ठीक है, ज्यादा नहीं है, पर उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। ये तो बढ़िया है, मुझे यही तो चाहिए था। तो तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? हाँ, क्या? मुझे समझ नहीं आया। मैंने तुम्हें एक प्रेजेंट दिया तो हाँ,
मैं तो ये सब भूल ही गया था। मेरे पास बेटी के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे पास कुछ है। अपनी आंखें बंद करो। मुझे सरप्राइजेस पसंद है। अब मैं क्या करूँ? समझ गया। जल्दी जल्दी में गिफ्ट चाहिए, हम संभाल लेंगे। सोडा कैन से फुल टैब्स निकाल लें। तीन टैब्स को पिंक कलर करें, थोड़ा सा गंद मच जाएगा। बाकी टैब्स को ग्रीन पेंट करें। इन्हें अच्छे से पेंट करें, जरा भी ना छोड़ें। अब इन्हें सूखने दें। इन्हें उल्टा करें और इस साइड भी पेंट करें। इन्हें सीधा रखकर मेटल रिंग से जोड़ दें। इयररिंग हुक्स लगाएं और ये बन गई एक अनोखी ज्वेलरी। हाँ, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। क्या ये मेरे लिए है? तुम्हें पसंद आए, ये तुम पर जचेंगे। बहुत पसंद आए। थैंक यू। मुझे क्या दिखाओ, क्या ये? वाह, क्या कोइंसिडेंस है। तुम बहुत प्यारे हो। मुझे अपना मेकअप पूरा करना है और मैं तैयार हूँ। लो, अच्छा लग रहा है। और मुझे नेक में कुछ पहनना चाहिए, ये स्कार्फ सही रहेगा। अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे सुपर हीरो का केप हो। कैसा है ये? नहीं चलेगा, मैं नहीं पहन सकती। एक आइडिया है, मैं निकाल लेती हूँ। मुझे यही तो चाहिए। एनी, तुम क्या कर रही हो? मुझे चाहिए, प्लीज। ये अच्छा लगेगा। मुझे लगा था कि अच्छा लगेगा। मैं क्या पहन सकती हूँ? ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। कैसा लग रहा है? बकवास है, मैंने क्या सोचकर पहना? अब मैं क्या करूं? कितनी गलत बात है। अरे, मुझे कुछ खाना होगा। ये अच्छे हैं। क्या हुआ हानी? मुझे एक सुंदर सा नेकलेस चाहिए। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, ये जरूर काम करेगा। थैंक्स मॉम। प्लास्टिक फूड कंटेनर से नीचे का हिस्सा निकाल दें। एक पेपर पर अपना नाम लिखें और उसे ढक्कन पर लगा दें। अब प्लास्टिक पर अपना नाम ट्रेस करें। हमें अब ये पेपर नहीं चाहिए। कैंची से इसका नाम काट लें। ध्यान रखें, कोई गलती ना करें। एक बेकिंग शीट पर रखें और ओवन में रख दें। इस हीट से प्लास्टिक श्रिंक हो जाएगा। अब इसे ठंडा होने दें और ओवन से निकाल लें। चलो क्रिएटिव हो जाए। प्लास्टिक पर पेंट करें, पेंट को सूखने दें। अब इसे चेन से जोड़ दें। मेरा खुद का पर्सनलाइज्ड नेकलेस। वो कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ अच्छा खा लेती हूँ। हाँ, ये कैसे हुआ? वो कहाँ है? शुक्र है मैं फूल ले आया। कितनी अच्छी खुशबू है। क्या ये मेरे लिए है? नहीं, मुझे दो। ठीक है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हम कब से कहीं बाहर नहीं गए। बिल्कुल। क्रिस आ गया। रुको, ये लूना क्या कर रही है? तुम मुझे अकेला छोड़ दो। गैबी आ गई। जाओ यहाँ से लूना, चलो जल्दी जाओ भी। हे क्रिस, तुम्हें अब एक्सप्लेन करना होगा। हाय गैबी, वो यहाँ क्या कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो, ये तुम्हारे लिए है। हाँ, ये अच्छे हैं। तो मुझे चलना चाहिए। कितनी बढ़िया गेम है, टाइम पास करने का अच्छा तरीका है। मैं इसे पूरा दिन खेल सकता हूँ। हे क्रिस, तुम कहाँ से आ गई? मैंने सोचा साथ में थोड़ा समय बिताया जाए। तो तुम्हें वीडियो गेम्स पसंद है ना? मुझे भी वो प्लम्बर वाली गेम खेलने में मजा आता है। क्यों ना कभी हम साथ में खेलें? क्यों ना अभी खेलें? ये कैसा मजाक है, ये नहीं हो सकता। क्या कहते हो? मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। बताओ इसे लूना, मैं जा रही हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी गलती नहीं है। मैं खुश नहीं हूँ क्रिस, मैंने कुछ नहीं किया। पर इसे रोकना होगा।
और शायद मैं जानती हूँ कैसे। ये कोई खास फोटो नहीं है, पर मुझे यही चाहिए। मुझे बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी है। पहले फोटो के ऊपर एक चेन रखेंगे। अब मेरी ग्लू गन की बारी। चेन को रखकर मैं अपने चेहरे को ग्लू से कवर करूंगी और फिर इसे काट लेंगे। क्या ये करना जरूरी है? मैं देखती हूँ। वाह, तुम्हें कैसा लगा? हाँ, ये बढ़िया है। मैं जानती थी तुम्हें पसंद आएगा। अगर इससे ग्याबी को खुशी मिलती है तो कोई बात नहीं। तो चलो कुछ खाए। तुम स्नैक देख रहे हो, यहाँ पर है। ओह तुम, ये क्या है? क्या ये ग्याबी है? मैं जा रही हूँ। ये काम किया, मैं जानती ही थी इससे उसे सबक मिलेगा। वाह, क्या मैं देख सकती हूँ? प्लीज प्लीज प्लीज। वाह, क्या ये सच में मेरे लिए है? वाह, क्या सच में? एक ब्रेसलेट मेरे लिए? वाह, विश्वास नहीं हो रहा, मैं इसे अभी के अभी पहन रही हूँ। मुझे पसंद आया, ये परफेक्ट है, हमेशा पहन कर रखूंगी। मैं बहुत लकी हूँ, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगी। मैं जहाँ भी जाऊँ तुम मेरे साथ चलोगे। कितनी अच्छी गेम है ना? चलो तुम भी करो, तुम्हें गेम पूरी करने के लिए वहाँ तक पहुँचना होगा। हाँ, क्या दिन था, मैं बहुत थक गई हूँ। हमने साथ में बहुत मजे किए। लो, तुम एकदम कोजी हो जाओ। स्वीट ड्रीम्स। ये सीरियल बहुत टेस्टी है, तुम्हें कैसा लगा? तुम्हें ये सारा खाना होगा। अच्छा नहीं लगा क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ और देती हूँ। चलो साथ में देखिए फ्रिज में क्या है। चलो भी, तुम्हारी पसंद का कुछ तो होगा। जरा रुको, कुछ मिसिंग है। दरवाजे के ऊपर अक्सर एक रबर बैंड होता है। इससे तुम फ्रिज नहीं खोल पाओगी। आज जंक फूड अलाउड नहीं है, समझे? ठीक है मॉम, तुम मुझे बाद में शुक्रिया अदा करोगी। पता नहीं वो कहाँ चला गया। जरा रुको, इसका मतलब मैं जो चाहूँ वो खा सकती हूँ। बहुत मजा आएगा। देखते हैं हमारे पास क्या है। फ्रूट और वेजिटेबल्स। कुछ और भी होगा। एव, गंदा लग रहा है। अच्छी चीजें कहाँ है? आहा, वो रहा, चॉकलेट स्प्राइट, मेरा फेवरेट। मुझे चाहिए। ओह, मैं पहुँच नहीं पा रही। रुको, मैं समझ गई। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? आहा, तुम मेरे हो। मेहनत करना रंग लाया। ये क्या? मेरा ब्रेसलेट। क्यों? नहीं, ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत गलत बात है। हनी, क्या हो गया? मॉम, सब खराब हो गया। मेरा ब्रेसलेट टूट गया, पूरे फर्श पर गिर गया। ओह अच्छा, मैं बीड्स उठा देती हूँ। पता नहीं मैं इसे जोड़ पाऊंगी या नहीं। कितना गलत हो रहा है। रुको, क्या ये चॉकलेट स्प्रेड है? ये मुझे दो। मेरे पास एक आइडिया है, शायद ये काम करे। जार को टेबल पर रखेंगे, अब नीचे की तरफ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह। इतना काफी है। अब इस पर बीड्स लगा देंगे। हम इसे ग्लू पर लगाते जाएंगे। इसके लिए हम छोटे बीड्स इस्तेमाल करेंगे। हमें दोबारा ग्लू गन चाहिए। बीड्स पर ग्लू लगाएंगे जिससे ये टिके रहे। पूरे ही जार पर ऐसा करेंगे। अब इसे उठा सकते हैं। देखो गाबी, मेरे पास क्या है? एक नया ब्रेसलेट। वाओ, मैं पहनना चाहती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। वाओ, जरा ये देखो, इस पर मेरा नाम भी लिखा है। थैंक्स मॉम। तुम्हारे लिए कुछ भी। ने, तुम्हारी कोशिश नाकाम रही फ्रिज, अगली बार कोशिश कर लेना। ठीक है, अजीब है, मैं अपना भी ब्रेसलेट बनाऊंगी। हाँ बनाना, हम फिनिश करेंगे। छोड़ दो एमिली। नहीं, ये मेरा है, मैंने पहले देखा था। रुको, अब एक ही चीज हो सकती है। ओह तो ये बात है, तो शुरू करते हैं। मैं सर्कल्स बनाऊंगा। मैं सर्कल्स के साथ हमेशा जीतता हूँ। बीच से, तुमने बीच से शुरू कर दिया, अब तो तुम गए। तुम मेरे जाल में फंस रही हो।
मैं जानता था तुम यही करोगी, ये बहुत आसान होगा। ये अभी खत्म नहीं हुआ, अब तुम क्या करोगी? जरा देखो। मुझे देखना चाहिए था। रुको, मैं जानती हूँ। पर तुम ये नहीं कर सकती। अच्छा, मैंने कर ही दिया। और जरा देखो, मैं जीत गई। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेडी तुम ही ले लो। ओह, इसकी आंखों को तो देखो, मैं इन्हीं में खो जाती हूँ। इससे परफेक्ट और क्या होगा? जैसा मैं सोचती हूँ ये बिल्कुल वैसा है। हम साथ में बहुत प्यारे लगेंगे। रुको, शायद एक रास्ता है। शायद मेरी स्पेल्स बुक काम आए। मतलब क्या ही बुरा हो जाएगा। पर पहले मुझे एक एमुलेट चाहिए। थोड़ी जगह बना लेते हैं। एक एपॉक्सी रेजिन का बोल चाहिए। अब इसमें ग्लिटर डालेंगे। क्या गया स्पार्कल। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिल जाना चाहिए, बिल्कुल इस तरह। अब इसे मोल्ड में डालेंगे। मैं एक लव हार्ट का मोल्ड लूंगी। वाह, इसके कलर को तो देखो। इसे ऊपर तक भर देंगे। अब सेट होने का इंतजार करेंगे। मोल्ड से निकाल लेंगे। अब इस पर चेन लगा देंगे। वो कमाल का लग रहा है, मुझे यही तो चाहिए। पर अब ये पूरा नहीं हुआ। अब स्पेल की बारी है। इस नेकलेस की वजह से मैथ्यू को मुझसे प्यार हो जाएगा। उसे बताओ कि मैं ही उसकी किस्मत में हूँ। कुछ ऐसा करो जिससे वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। ये काम कर रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ओह हाँ, तो चलो। एमिली, वाह, इसने मुझ पर ध्यान दिया। मुझे उससे बात करनी चाहिए। हे एमिली, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। वो तुम्हारा नेकलेस तो कमाल का है। इसे देखकर मुझे लगता है ये हिप्नोटिक है। हाँ, तुम ठीक तो हो? लगता है मुझे जाना चाहिए। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। खोलो एमिली। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये आइडिया बहुत ही बकवास था। लो ये तुम रख लो, अब मुझे नहीं चाहिए। हाँ, ये कहाँ से आया? बहुत ही अजीब है। रुको, नेकलेस, मुझे वो चाहिए। दूर रहो। ओह मिस्टर यूनिकॉर्न, तुम बहुत सॉफ्ट हो। मैं पूरा दिन तुम्हें कडल कर सकता हूँ। एक मिनट रुको, क्या ये मेरा दांत है? कैसे, ये कैसे हो गया? इसका मतलब टूथ फेरी आने वाली है। मॉम अंदर आओ। सब ठीक तो है स्वीटी? देखो मेरा दांत गिर गया। मेरा प्यारा बच्चा बड़ा हो रहा है। मैं जाता हूँ, मुझे टूथ फेरी से क्या चाहिए? मुझे ये एयरपॉड्स चाहिए। तो तुम्हें इसे अपने पिलो के नीचे रख लेना चाहिए। क्या आइडिया है मॉम, इससे बिल्कुल सेफ रहेगा। और अब हम इंतजार करेंगे, बहुत मजा आएगा। तुम्हें सो जाना चाहिए, वो आने ही वाली होगी। ओह ठीक है, मिस्टर यूनिकॉर्न को नहीं भूल सकते। गुड नाइट मॉमी। स्वीट ड्रीम्स, मैं तुम्हें सुबह मिलूंगी। अब मेरे आने की बारी आ गई है। जरा इसे देखो, कितना प्यारा है। मैं इसका दांत उठा लेती हूँ, बस मैथ्यू उठ ना जाए। मिल गया। अब मैं इसे एयरपोर्ट से बदल देती हूँ। ये ड्यूट सही रहेगी, उम्मीद है उसे पसंद आए। एक मिनट रुको, मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। मुझे अपना 3D पेन चाहिए। पहले केस पर वर्टिकल लाइंस बनाएंगे, एकदम पास पास, कोई गैप नहीं चलेगा। जब भी हो जाए तो ऐसा ढक्कन पर भी करें। एक साइड पर इस तरह छोटी छोटी लाइंस बनाएंगे और अब साइड्स पर। इतना काफी है, मैंने कार्ड के पीस पर यूनिकॉर्न बनाया है। अब इसे 3D पेन से फिल कर देंगे। हमें लाइंस के अंदर ही रहना होगा। पहला पार्ट हो गया। अब हम कान बनाएंगे और अब दूसरी साइड पर कलर स्विच कर दूसरे सेक्शन को फिल करेंगे। ये कलरफुल होना चाहिए। सेक्शंस इस तरह जुड़ेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। और हॉर्न कैसे भूल सकते हैं, ये परफेक्ट है। अब बस फिनिशिंग टचेस की बारी। मुझे ये बहुत पसंद आया। अब इसे केस पर लगा देंगे। इसका ढक्कन यूनिकॉर्न का मुंह लग रहा है। मैथ्यू को ये बहुत पसंद आएगा। अब इसे इसके तकिए के नीचे रख देंगे, वो देखकर हैरान हो जाएगा। मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। मैं बहुत लकी हूँ। क्या टूथ फेरी आई थी? चलो देख लेते हैं। वो जरा इसे देखो, ये तो कमाल है। मॉमी, क्या हुआ डियर? टूथ फेरी आई थी? उसने ये मुझे दिया है। वाह, टूथ फेरी तो बहुत टैलेंटेड है।
मैंने ट्राई करना चाहता हूँ। अब ये वाला ले लो मॉमी, कूल है ना? हाँ बिल्कुल, शलालालाला। मैं बोर हो गई हूँ, स्कूल बहुत बेकार है। कैसे हो? वो ये तो मैथ्यू है, लगता है स्कूल इतना भी बुरा नहीं है। मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। हे मिकी। हाय मैथ्यू। वो कैसी हो, बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ रुको, वो एली से बात क्यों कर रहा है? तुमने क्या कहा? कुछ भी नहीं, माफ करना। उसे परेशानी क्या है, मैथ्यू कभी मुझ पर तो इतना ध्यान नहीं देता। हमें कुछ करना होगा। ओह लगता है मैं समझ गई, मुझे बस अपनी टेप और कॉन्टूरिंग स्टिक चाहिए। चलो काम पर लग जाए, हमें मिलना चाहिए। सबसे पहले ग्लासेस उतार देते हैं, और मुझे टेप की लंबी सी स्ट्रिप चाहिए। इसे मैं मुंह से पकड़ती हूँ, फिर कॉन्टूरिंग स्टिक लेंगे और टेप पर लगाएंगे। इसे अच्छे से कवर करेंगे, बिल्कुल इस तरह। दूसरी साइड पर भी करेंगे। अब इसे मैं अपनी चीक बोन के साथ लगा दूंगी, और एकदम अच्छे से ताकि चिपक जाए। इतना काफी है। अब इसे ध्यान से निकाल देंगे, और इससे कॉन्टूरिंग लाइन बन गई। अब हमें एक स्पॉन्ज चाहिए होगा, इसे मेकअप पर डैप करेंगे, इसे ब्लेंड हो जाएगा। अब बाल ठीक कर लेते हैं। लगता है मैं तैयार हूँ, अब मैं अपना जलवा दिखाती हूँ। हे मैथ्यू। तुम ये क्या कर रही हो? हाँ ये क्या है? ये मुझे दे दो। तो मैं नए लुक ट्राई करना चाहती थी। बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई बहुत ज्यादा। वो रुको, ये तो मॉन्स्टर है। क्या मैथ्यू वापस आओ, मैंने क्या गलत किया समझ नहीं आ रहा। ओह क्या स्ट्रेच किया, थोड़ा ज्यादा कर लिया। इतना दर्द क्यों हो रहा है? शायद मैं फ्लेक्सिबल हूँ ही नहीं, थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए। जरा आराम से करो। ओह हाय अली, तुमने अपने बालों का क्या कर लिया है? ओह क्या बाल खराब हो गए, बताने के लिए शुक्रिया। अब बेहतर है, तुम्हें इसे पीछे करना होगा, बिल्कुल टाइट बन होना चाहिए, इस तरह। समझ गई, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। इससे खिंचता है। कैसी लग रही हूँ? मैं इसे क्यों समझाती हूँ, तुम्हें टीचर देख लेंगी। बुरा होगा, उन्हें ऐसे बन पसंद नहीं है। जरा इसे देखो। नहीं ये कैसे, मुझसे दूर रखो, ये सब गए। नहीं ये नहीं हो सकता, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ ये देखो, तुम्हें ब्रश नहीं चाहिए, बस तुम्हारे हाथ काफी हैं, बस थोड़ी थूक लगानी है। ये क्या कर रही हो? चलो दोबारा करते हैं, बस इसे अपने बालों पर लगाओ। आसान लग रहा है, ये काम किया। ठीक है, मुझे कुछ और करना होगा। ये हेयर स्प्रे इस्तेमाल करो, आखिरकार ये थोड़ी ढंग की चीज है। कभी कभी थोड़ा कम भी इस्तेमाल कर लिया करो। बस करो, हेयर स्प्रे को रख दो। रुको, नहीं मैंने कुछ गलत किया, मैं हार नहीं मानूंगी। ये लो, ये बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम पागल लग रही हो। ऐसा करने की भी जरूरत नहीं थी। रुको कोई कॉल कर रहा है। ओह ये तो डेविड है। हे हनी, तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा। हाँ ये बिल कहाँ से आ रहे हैं? मुझे दो। बहुत अजीब है। एक मिनट रुको, मैं इसे खोल कर देखती हूँ। ये टेक्सचर्ड है, मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, मैं जानती हूँ तुम्हारे बाल कैसे ठीक होंगे मिकी। ओह क्या सोच है, चलो करो। इस बिल को अपने सर पर लगाओ, और इससे बाल टिक जाएंगे, ये क्लिप्स की तरह काम आएंगे। लगा दिया। वाह मुझे अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अली, मुझे लुक बहुत पसंद आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। चलो डांस करो, और मैं वार्म अप पूरा करती हूँ। ये बहुत डीप है। इतना समय कहाँ लग रहा है, वो इसे सीरियसली नहीं लेते। हाय मैं आ गई, और मैं डांस के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओ ये मैंने अभी ही पिनअप किया है, तो मैं चलो मैं कर सकती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आए। करती रहो, और मैं तुम्हारा हेयर स्टाइल कॉपी करूंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझसे पार्टी का इंतजार नहीं हो रहा, ये बढ़िया लग रहा है।
हे मिकी, तुम्हें कैसा लगा? देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरा मेकअप खराब कर दिया। शांत हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। सैंडविच बहुत ही बढ़िया है, अब बेहतर है, दूसरी साइड भी लगाते हैं। थोड़ा पेपर डालेंगे, अब काफी बेहतर है। क्या? बहुत ही बुरा है, बस थोड़ा और। अच्छू, तुम्हें क्या कर रही हो? गहरी सांस लो और आराम से, मैं कर सकती हूँ। ये बहुत टेस्टी है, आराम से लगाऊंगी, मैं ये पूरा दिन कर सकती हूँ। मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, साफ कर लेती हूँ। ये क्या? कमाल का था। बुरा लग रहा है, सच बताना, ये भयानक है। ये क्या है? एव, कितना गंदा है, तुम्हें फ्लॉस करना चाहिए। ये लो, तुम ये क्या कर रही हो, सीधी बैठी रहो। मिल गया, ये बहुत ही बुरा है। रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया। ओह, तुम ये क्या कर रही हो? इससे सब ठीक हो जाएगा। आईलाइनर साफ करकर इस हैंडल को इस तरह रखेंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे, इससे बिल्कुल विंग लुक आएगी। वाह, कमाल है। अब दूसरी आंख पर, इससे बहुत आसान हो जाएगा। वाह, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, मैं कैसी लग रही हूँ? परफेक्ट, चलो चलें। पार्टी करते हैं, अपने हाथ ऊपर करो। ये मूव्स तो देखो, वो उम्र की तुम अच्छी लग रही हो, कितनी प्यारी आंखें हैं, विश्वास नहीं होता, तुम्हें मुझे ये करना सिखाना होगा, मेरा मतलब ओ, ठीक है, मैं समझ गई, मुझे नहीं पता था। हाँ, क्लास खत्म हो गई, जब तुम मजे कर रहे हो तो टाइम जल्दी खत्म हो जाता है, मैं अपना बैग लेती हूँ, अब समय है जाने का। फिर क्या दिन था, पर अब मैं घर में हूँ, मैं अपना होमवर्क कर लेती हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है। हाँ, मेरी बुक्स कहाँ हैं? ये किस किस स्नीकर्स हैं? उन्हें वॉश करना होगा, मुझे सोचने दो, वो बढ़िया वर्कआउट था, मुझे इसके साथ में क्यों बैठना पड़ता है, मैं शायद गलत बैग ले आई, बहुत बुरा हुआ। चलो काम करते हैं, नो पेन नो गेन, मुझे मेरे कपड़े चाहिए। ये क्या है? एक पॉपेट, ये मजेदार है मॉमी, और अब मैं बोर हो रही हूँ। मॉम, मुझे नया टॉय चाहिए। हाँ, मुझे टॉय चाहिए। ओ, ठीक है, रुको, तुम्हें एंटरटेन करने के लिए हमारे पास जरूर कुछ होगा। रुको, हमारे पास कोई टॉयज नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, परेशान मत हो, सब ठीक होगा, मेरे टॉयज। क्या मैं मदद करूं? मुझे बैग दो। तुम मॉन्स्टर, ये तुम कैसे कर सकती हो, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मुझे माफ कर दो, ऐसा क्यों होता रहता है? एक सेकंड रुको, मेरे पास आइडिया है, मुझे यूनिकॉर्न कॉपर चाहिए और थोड़े जेम्स, मैं इन जेम्स को डिम्पल्स में लगाऊंगी। अब मुझे ग्लू गन चाहिए, अब मैं पॉपेट में ग्लिटर ग्लू डालूंगी, मुझे सारे जेम्स को कवर करना है, ये बहुत शानदार दिखेगा। अब मैं ग्लू का सूखने तक का इंतजार करूंगी, अब मैं पॉपेट में से ग्लू निकालूंगी, मेरे पास मेरे बैग के लिए जादुई दिखने वाले टैग्स हैं। मुझे कहाँ बैठना चाहिए? ओ, ये रही सीट, ये केक स्वादिष्ट लग रहा है, मैं इस बीते हुए वीक के लिए एक ट्रीट डिजर्व करती हूँ। ये अच्छा था, मुझे चलना चाहिए, अपना बैग ले लेती हूँ। ओह वाओ, इसे देखो। रुको, हिला मत, ये मेरा बैग है, मैं इस यूनिकॉर्न को देखकर बता सकती हूँ, देखा, ये यहाँ है, मुझे इससे पता चलता है, प्रिटी क्यूट। हाँ, वाओ, मुझे पसंद आया, इसके लिए माफ करना। ये मेरा बैग है, चिंता मत करो, शुक्र है मेरे पास तुम हो। मुझे क्लास में जाना चाहिए। ओह, ये मैथ्यू है और ये वेंडी के साथ है, काश ही मुझसे बात करे, वो बहुत सुंदर है, उसे देखो, एक लड़की इसे सोच सकती है। रुको, मुझे पता है क्या करना है, ये मेकओवर करने का समय है। वाओ, इन सुंदर कपड़ों को देखो, मुझे यहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ये शानदार है, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? ओह, ये ग्लासेस बढ़िया है, मैं इसे ट्राई करती हूँ, मैं इन पुराने पेयर को रख। हाँ, मुझे बबल्स बनाना पसंद है। क्या? अरे नहीं, ये तो खराब है, ये काम नहीं करेगा। मैं तो बस बबल्स फुलाना चाहती थी। पेरी यहाँ है। मैं बबल्स नहीं बना पा रही,
अच्छा तो ठीक है, मैं इसका कुछ करता हूँ। वो उनको छोड़ो, मेरे पास 3D पेन है और ये ज्यादा बेहतर है। हाँ, पैटर्न बन गया, अब इस पर 3D पेन चलाएंगे। वॉन्ट का हैंडल ग्रीन कलर से बनाएंगे, ये देखो। अब स्टार पर येलो करेंगे और अब सर्कल्स में रेड। अब ये आसान हो रहा है और हो गया, ये मैजिक वॉन्ट तैयार है। हाँ देखो, मैंने एक बबल वॉन्ट तुम्हारे लिए बनाई। ओह ये खूबसूरत है, और बबल्स को देखो। ये बबल्स बहुत ही सुंदर है। हाँ तो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। तो आप दोनों शादी के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। मैं भी। हाँ तो ठीक है, चलिए एक दूसरे के हाथ पकड़िए। हाँ बिल्कुल इस तरह, बहुत ही बढ़िया। ओह रिंग्स कहाँ है? अरे हाँ रिंग, वो मेरी पॉकेट में ही थी। हाँ वो यहीं पर थी, ये लो। मैं इसे देखना चाहूंगी एलेक्स। ये रिंग बॉक्स तो खाली है, अब क्या होगा? हाँ रिंग, वो कहाँ है? शादी पर रिंग ही नहीं है, मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, वो तो बस मैं जानता हूँ वो कहाँ है, मैं लेकर आता हूँ। हे भगवान कितना बुरा हुआ, रिंग कहाँ चली गई? मुझे जल्दी से कुछ ढूंढना होगा। ये नहीं चलेगा, नहीं शायद इसमें कुछ और है। हे ये तो हॉट ग्लू गन है, ये काम आएगी। ठीक है ये रहा रिंग बेस, पर इस पर जेम स्टोन लगना चाहिए, हॉट ग्लू काम आएगी। यहाँ पर एक गोल्डन ग्लोब लगाएंगे और अब ग्लिटर, पर्पल उसका फेवरेट कलर है तो यही लगाते हैं। ये हुई ना बात, कितना शाइनी और स्पार्कली है। हाँ इसे रिंग बॉक्स में रखेंगे, आज मेरी शादी है। शुक्र है मेरे पास ग्लू गन थी, बाल बाल बचे। वापस आ गया, चलो अब शादी करें। मैं आ गया हूँ। हाँ ये रही मिसिंग रिंग, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। मिकी तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल करूंगी। हे भगवान ये तो पर्पल है, मेरा फेवरेट, मुझे ये सब बहुत पसंद है और ये रिंग बहुत खूबसूरत है। ओ मिकी मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आए। और मिकी अब हमें एलेक्स के रिंग चाहिए। रिंग? एलेक्स के लिए रिंग? अरे हाँ वो यही कही थी। हम बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ मैं बस अभी आई और वो गई, थोड़ा समय लगेगा। रॉक पेपर सीजर्स खेले? और फिर मैंने उसे कहा, हाँ जो भी हो ब्रो, टीचर वैसे भी मुझे डिटेंशन दे ही देगी, पर मुझे परवाह नहीं थी। तुम बहुत फनी हो, काश मैं वहाँ होती। लियम बचाओ बचाओ, क्या हुआ? कोई बात नहीं मैं यही हूँ। ये डरावना था, शुक्रिया लियम। मेरा लॉलीपॉप कहाँ चला गया? ये रहा। मैं इसे नहीं खा सकती, इस पर बाल लग गए। बेहुदा, काश मैं अम्मा की मदद कर पाता। हे अम्मा ये ले लो। नहीं चाहिए। खैर मैंने कोशिश की, रखो मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने ग्लू गन में कैंडी डालूंगा। मैंने इस पेपर पर ट्रायंगल ड्रॉ किया था, मेल्टेड कैंडी का इस्तेमाल करके मैं इसे कलर कर दूंगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे लाइंस में ही करना होगा, ये परफेक्ट होना चाहिए। मुझे ट्रायंगल के बॉटम में गैप छोड़ना होगा। ठीक है अब मैं कैंडी को कलर करूंगा, मुझे कुछ ग्रीन यूज करना होगा। अब ग्रीन का डार्कर शेड लेते हैं। ये लगभग हो गया, मैं इसमें एक वुडन स्टिक डालूंगा और कुछ डिटेल्स ऐड करूंगा। ये वाटरमेलन लॉलीपॉप है। वाह ये शानदार है, ये तुम्हारा है, तुम बहुत प्यारे हो। अरे कोई बात नहीं, ये बहुत स्वादिष्ट है। बढ़िया मैंने अपने लिए भी एक बनाया है। हे ये काफी अच्छा है, ये जिराफ का परफेक्ट कलर है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। मैं और क्या पेंट कर सकती हूँ? शायद मैं डैडी को भी सुंदर बना सकती हूँ। मुझे काफी अच्छी नींद आई। हाँ मुझे याद नहीं कि मेरी मूछे ग्रीन कब थी, लगता है अम्मा ने फिर से पेंटिंग की है। मैं बहुत आर्टिस्टिक हूँ। ब्रेकफास्ट का समय है हरी, पेंट ब्रश को नीचे रख दो। ठीक है डैडी। रुको शायद मैं स्पून को पेंट कर सकती हूँ, अभी से ही ये बहुत अच्छा लग रहा है। तुम क्या कर रही हो स्वीटी? वो इतनी भी क्या जल्दी है,
तुम इसे यूज नहीं कर सकती। आप बहुत मीन हो। उदास मत हो। एक मिनट रुको, शायद मेरे पास एक आइडिया है, शायद से ये काम करेगा। मुझे बस एक 3D पेन और एक स्पून की जरूरत है। मुझे बस इसकी शेप को फॉलो करना है। बस एमआई से देखना ले, उसे ये बहुत पसंद आने वाला है। अब मुझे हैंडल बनाना होगा। मुझे इसे बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करते रहना है। हो गया, अब बस मुझे इसे स्पून के ऊपर से उठाना है। ये एमा का अपना स्पून होगा। ओह, ये देखो। वाओ, ये शानदार है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने पेंट किया था। मैं खाना चाहूंगी। मेरा फेवरेट। ये अच्छा है डैड, शुक्रिया। अब मैं और नहीं खा सकती। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हिलना मत। नहीं, मेरे बाल नहीं, पीछे हटो। वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही और काम की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।